तो अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है। होपफुली सब के सब A1 हो गए, टिप टॉप हो गए। तो भाई ये मैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेंडली टूर्नामेंट है ये, ठीक है। तीन मैचेस होंगे इसके और तीन का ही रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। दिस मैच असल में ये मैच जो है ये स्पॉन्सर्ड मैच बन रहा है एक किस्म का इश्तियारी ऑफिशियल्स की तरफ से। तो इश्तियारी ऑफिशियल आगे आपके लिए एक पेड टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ करवा रही है, तो जिसको भाई मैं यहाँ से रन करूँगा एज ए स्ट्रीमर और वो बैक एंड से अपनी पूरी टीम उसको साथ लेके चलेगी, ठीक है। और अगर बात की जाए, मेरे साथ अभी मौजूद है अली इश्तियारी अली बेसिकली। एंड अली भाई क्या हाल है। आप हैं, आप कैसे हैं भाई। आरएस भाई हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने आरएस भाई के कोऑपरेशन के साथ एक टूर्नामेंट, इनकी फ्रेंडली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेड टूर्नामेंट और इंशाल्लाह आप भाइयों की सपोर्ट के बाद हम उसके बाद पेड स्क्रीन भी स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसे ही अपनी सपोर्ट दिखाते रहे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर भी टीम, एक टीम तो आ चुकी है, ये टीम टू मौली बेसिकली आ चुकी है पोचिंग की में और हार्ड ड्रॉप यहाँ पर लेते हुए मौली यहाँ पर आ चुकी है। और साथ दो टीमें और भी आ चुकी हैं, जेबी एंड एलीट। और ये तीन टीमें जो है मौली, तो उनका जो ड्रॉप स्पॉट है बेसिकली वो पोचिंग की वाली साइड पे ही ड्रॉप लेते हैं। एलीट मुझे कोई तगड़ी टीम लग रही है और भाईजान ये भी लीड के लड़के आरएसपी टी1 के प्लेयर्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे खेलते हैं। तो ये काफी हार्ड जो है ना, टफ टाइम देंगे इन दोनों टीम्स को ना, बहुत जो है ना सावधानी से खेलना पड़ेगा। तो ये तो बात है कि सावधानी से खेलना पड़ेगा और भाई दिमाग आज ओपन करके खेलना पोचिंग की में, क्योंकि ये मैच दो डिफरेंट टीम्स यहाँ पर आ चुकी हैं। और अगर मैप की बात करूँ तो मैप मैंने इतना जूम कर दिए, सर्कल जो अगर सर्कल की बात करूँ, अगर सर्कल आपको अली भाई दे नज़र आ रहा होगा तो बिल्कुल यहाँ से एक साइड तो पूरी काट चुका है। टीम इश्तियारी बेसिकली जिस साइड पर मौजूद है उनको काफ़ी ट्रैवल करके सर्कल की तरफ आना पड़ेगा। पर अगर मैजिशंस की बात करूँ तो वो मैजिशंस तो भाई अपने जॉर्जिया पुल वाले भाई लैंडिंग पोजिशन पर पहुँच चुके हैं। मैजिशियन जो है वो हमेशा अपनी स्पोर्ट छोड़ते नहीं है, वो हमेशा अपनी स्पोर्ट को प्रेफरेंस देते हैं। तो जो मर्जी हो जाए भाई, मैजिशियन तो जो सिटी में ही जाएगी। तो भाई अगर देखो ये तो अगर वो वाली बात होगी कि भी अगर आपने मैजिशियंस के साथ भी जादूगर वाली गेम खेलनी है तो वो बेटर, उनको वो जगह उनकी है, तो बेसिकली उधर नहीं जाए आप मेहरबानी करके। जी जी बिल्कुल आरएस भाई, मैजिशियंस बहुत टफ टाइम देती है, अच्छी अच्छी टीमों को दूर चटाई हुई है मैजिशियंस ने। तो माशाल्लाह टीम्स बहुत अच्छी है सारी। तो देखें ये जो है ना, अभी टीम टू का बंदा एक फंस चुका है, सैंडविच हो चुका है एक सम काइंड ऑफ। बिल्कुल अहमद यहाँ पर मौजूद हैं और अहमद बिल्कुल सामने जेबी के साथ यहाँ पर भाई आई टू आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। बट मौली बैक साइड से कवर भी उनके प्रॉपर रेडी है, अगर यहाँ से अगर अहमद को ज़रा कुछ भी शॉट्स वगैरह लगी तो साथ में जेबी भी उनको भाई टफ टाइम देगा। बट यहाँ पर एलीट की अगर देख बात की जाए तो हक भाई अगर बात करें तो हक वाली साइड पर अहमद मूव करके जा रहा है और यहाँ पर अहमद एक दलदल से निकल के दूसरी दलदल में गिरने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट, ये देखें साथ मैंने आपको बोला था एलीट वालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और पहला दूसरी साइड पे मैजिशियंस ने अपना काम स्टार्ट कर भी कर दिया जी। दूसरी साइड से मैजिशियंस ने भी एक किल निकाला है, अभी किल फीड में यहाँ पर नजर आया। और यहाँ पर भी एक प्यारा डैमेज हल्का सा बिल्कुल जेबी की टीम, बहुत प्यारा नेट लेकिन अहमद सब नंबर कवर में जाते हुए इसके साथ ही पुश किया। बहुत अच्छी अहमद भाई ओपन में रश कर रहे थे, ये हो रहा था इनके साथ भाई। अब जो है ना इतनी अच्छी टीम के साथ खेल रहे हो तो आपको स्मोक वाले कम से कम कवर में जाना चाहिए, ये तो आपको ध्यान करना चाहिए। तो अहमद बहुत टफ टाइम देंगे, अब देखते हैं जी हाथ साहब कुछ रिवाइव मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। पर यहाँ पे कामरान आ चुके हैं, कामरान की नजरें प्रॉपर है, स्मोक वगैरह डाल रहा है और ताकि भी अपने हक बॉय को यहाँ पर बचाया जा सके। बट यहाँ पर अहमद अकेले हैं, यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है कामरान की तरफ से। पर यहाँ पर अहमद ने यहाँ पर भाई एलीट का दूसरा प्लेयर यहाँ पर डाउन किया, बहुत प्यारा नंबर दिया। पर यहाँ पर अभी जो है दो किल अपने नाम करेंगे अहमद भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर भाई टीम एलीट तीसरा बंदा पर अहमद यहाँ पर 1v3 करते हुए काफी अच्छा। I was not expecting that, but यहाँ पर भाई अहमद भाई ने यहाँ पर दो किल्स अपने नाम किए हैं और एक आई थिंक उनको बैक कवर से किल की। बट यहाँ पर 86 लेजेंड्स आ चुके हैं, वो भी पोचिंकी में आ चुके हैं, डाकू स्केरी सारे भाई सारे आ चुके हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर उन्होंने बोला टीम हम क्यों पीछे रहे, हम चलेंगे, हम भी आगे जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यार भाई, अहमद जो है ना वो फंस चुके हैं टोटली अपना। बहुत और प्यारा रन यहाँ हुआ, पर और फाइनल इसके साथ मैंने आपको बोला था बस अहमद भाई बहुत अच्छा खेलते हुए, लेकिन अब यहाँ पे पूरे होंगे। बाकी उनके टीममेट्स ने इनको कवर देने की कोशिश की है, लेकिन वो उसका इनका कवर नहीं दे सकते बिकॉज सामने उनके घर है। तो बहुत अच्छी फाइट यहाँ पे देखने को मिल रही है हम लोगों को। बिल्कुल ऐसे आप मौली बाजी जो है बेसिकली सामने जो है सामने बिल्कुल अपने नजरें जो है जेबी के ऊपर टकाए हुए, क्योंकि उनका एक बॉय उन्होंने अहमद बंदा स्कोर किया देख, बहुत बहुत डैमेज दिया, बहुत प्यारा। और वन इसके साथ लिटरली नोक वन एचपी निकालेंगे क्या नोक? बिल्कुल लिटरली 1 HP छोड़ा उन्होंने। बट यहाँ पर भी 86 आ चुकी है, लेजेंड्स लेजेंड्स बॉयज आ चुके हैं बैक साइड से और वो यही स्पॉट कर इनको रहे हैं कि देखना बंदे पड़ेगा निकलें। वरना बिल्कुल बिल्कुल वो बंदे स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी टीम टू एक किस्म की सैंडविच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इन लोगों को जो है ना अपनी देखना पड़ेगा कि उनके पीछे भी कोई आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी जब बैक साइड से थर्ड पार्टी हो रही होती है ना, जब तक सामने वाली पार्टी का या तो एक बंदा नॉक नहीं होता ना, तब तक पता नहीं चलता कि हम पे थर्ड पार्टी हो चुकी। तो 86 के या तो फुटस्टेप मिल जाएंगे टीम टू को, वरना तो कोई चांस नहीं लग रहा। आई थिंक मौली को यहाँ पर रिलाइज हो गया कि एक और टीम आ चुकी है। स्पॉट हो चुके हैं अभी 86 पूरी इनके पास फुल अपने पावर के साथ इनका रश करेगी। लेकिन ये एक अच्छी ओपनिंग पार्टनर तो बहुत अच्छी पोजीशन है। मैंने जैसा कि आपने बोला मार्टा, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। मार्टा के पास बहुत अच्छी पोजीशन थी दोनों को निकालते हुए। 86 की टीम पे बहुत भारे पड़ रहे हैं ये मोली वाले। आई थिंक वो रिवाइव इस सिचुएशन में रिवाइव कर रहा है भाई। ओह माय गॉड, उसे देख लिया खिड़की जी से जी हो गया, पे। जी जी हो गया, जी जी हो गया भाई, जी जी हो गया, माल्टा जी जी हो गया। इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं जीबी वाले एडवांटेज लेना चाहेंगे, थर्ड पार्टी करना चाहेंगे। अब देख रहे उन्होंने साथ ही इनके ऊपर रश कर दिया है। अब टीम टू मोली के ऊपर बहुत टफ टाइम है, इनको उनसे भी सरवाइव करना है। बिल्कुल यहाँ 86 पर का एक किल्स बंदा शेयर ही हो पीछे रही टूट है। गया है जैसा कि आप देख रहे हैं डाकू, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात वो करूँ ट्राई टीम करेंगे 21 किल निकाल सके जिन। फुल किल्स चोरी करने के मूड में लग रही है, पर यहाँ पर माल्टा जो है ना, माल्टा ने अपने बॉय को रिवाइव तो कर लिया। आतंक मचाने के लिए पहुंच चुके हैं। नाउ सरप्राइज जी जी मिलेगा। जी आई टोल्ड यू यहाँ पर टीम इसी मोली के को साथ टीम सरप्राइज मोली को मिला बाहर भाई। करते हुए। जी बिल्कुल जी एफ एल जी भाई, अहमद बहुत अच्छा खेले, एफ एल जी अहमद अपने नाम 3 किल करके गेम है ये लोग। साथ में आप देख सकते हैं आप जैसा कि जीबी का सिर्फ एक बॉय बचा है, बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी थी जीबी की। लेकिन ये बट मेरे ख्याल से नीचे जाके बहुत यहाँ बड़ी पर गलती की भाई इन्होंने, पोचिंकी को फतह जैसा कि करते एक्सपर्ट हुए किया था टीम इनके जीबी। जीबी वाले। जी जी हो गया जी जी टीम जीबी इन द चैट ओपी भाई वेल क्या बात, प्लेड। जी जी वाकई जी जी सीन हो गया यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जीबी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या पुचिंकी तो भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। बिल्कुल एक कॉर्नर पे उतरे जहाँ पर भाई लूट भी नहीं होती इतनी खास, भाई वहाँ से निकल के इन्होंने भाई पूरा पुचिंकी खाली कर दी। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं टीम जीपी ने बता दी है पुचंकी का किंग कौन है। और आप ये देख सकते हैं ना कि इन्होंने पुचंकी फतह की है अपने नाम, ये इन लोगों ने 8 किल्स भी लिखवाए हैं जो कि एक बहुत बड़ी इनके लिए एडवांटेज हो चुका है। टीम तैयारी बहुत बाहर है जोन की, इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा पहुंचने के लिए। और आई और थिंक आप वहाँ देख पर सकते उनको हैं गाड़ी वगैरह और कोई सीन, उनको आई थिंक उनको कुछ ट्रैवल यहाँ पर भाई मिल भी नहीं रहा कुछ, यहाँ पर गाड़ी मिल जाए बाइक मिल जाए। आई थिंक यहाँ पर भाई जन वो अकेले पैदल मार्च कर रहे हैं जट साहब, अगर आपको नजर आ रहा है तो। और दूर दूर तक अगर आप देखें लोग भाई दरख्त और दरख्त, और भाई जन गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। सर्कल से काफ़ी डैमेज मिलने वाला है जट साहब को और भाई साथ वाइटी को। पर अगर बात करूँ बाकी साइड पे मैजिशियन वाली साइड की, तो मैजिशियन यहाँ पर अभी तक सर्कल तो इनके करीब ही है, पर यहाँ पर अभी तक इनकी लूट वाला सीन जो है ना वो जारी है। मैजिशियंस यहाँ पर अपने नाम 4 किल्स कर चुके हैं, और हमने अभी पोचिंकी की फाइट पे गुम थे हम। मैजिशियंस अपने नाम 4 किल्स कर चुके हैं, और भाई किल्स काउंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर किलर ने 3 किल अपने नाम किए हैं और आरिस भाई ने 1 किल अपने नाम किए।
और भाई मैं कहता हूँ जीजी गेम प्ले यार, जीजी हो गया, गुड गेम प्ले। किलर बहुत अच्छे लेवल में गेम खेलता है, मैंने काफी सी गेम स्पेक्टेट की हुई है। ये बहुत टफ टाइम दे सकता है पूरी टीम को, बिल्कुल ऐसे और ही है एम ई एस यार। हारिस इसका तो क्या ही कहना भाई। भाई एम ई एस हारिस भाई अपनी बत्तियां लगाते हैं M4 की, धुएं निकालते हैं, अगले बंदे को परेशान करते हैं। भाई हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड नाउ यहाँ पर अगर बात करूँ SK9 की, तो यहाँ पर भाई ये कम्पिटेटिव प्लेयर्स है। जोरो बेसिकली इस टीम का सबसे जो डेंजरस प्लेयर है वो बेसिकली जोरो है, और उस बॉय की गेम बहुत तगड़ी गेम है। एंड लेट्स सी कि इसकी गेम प्ले कैसी बनती है यहाँ पर, आज ये कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पर सर्कल स्टार्ट हो चुका है, अब इनको भी सर्कल में जाना है, मजिशियंस को भी सर्कल में जाना है, और होपफुली इनका जाते जाते एक भाई एक होता है क्लैश सा हो सकता है यार, एक फाइट हो सकती है। यहाँ पर जे भी जा रही है, एंड वी लेट्स गो। यहाँ पर चलते हैं इस टीम के ऊपर जो है BX यहाँ पर मौजूद है। BX के चार प्लेयर्स हमारे बिल्कुल सामने, काफ़ी डैमेज मिला हुआ है, एक किल इनके नाम अपने नाम के लिए, और बाकी प्लेयर्स आई थिंक अकेला ही कोई प्लेयर आया था यहाँ पर जिसको यहाँ पर इन्होंने नॉक फिनिश कंप्लीट की है। अगर अभी प्लेयर्स की अगर बात कर लूँ अली भाई मैं, तो अभी इश्तियारी बॉयज़ अभी भी अलाइव है यहाँ पर, बियर्स की टीम अलाइव है, टीम 300 यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, SK9 यहाँ पर मौजूद है, Sky9 बेसिकली टीम का नाम है, मनान भाई की टीम AOP यहाँ पर मौजूद है जिसका एक प्लेयर यहाँ पर नॉक फिनिश कम्प्लीट हो चुका है, C4 के प्लेयर्स यहाँ पर चारों के चार अलाइव हैं। अगर वॉइड की बात करूँ तो वॉइड भी सारी की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है, BX TXSX बेसिकली ये PVS के बॉयज़ हैं यहाँ पर, कमांडर HL FX को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर GGB मजिशियंस एंड FX और रिडलर के बॉयज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ स्टोनर भी इनके साथ खेल रहे हैं, हमारे बड़े ही प्यारे स्टोनर शाह जी। लेट्स सी कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी तक सारे के सारे प्लेयर्स लूट रहे हैं जी, आप जैसा कि देख सकते हैं ये भी एक हाई सर, एक किल अपने नाम करते हुए तो बहुत अच्छा खेलते हैं सारे लड़के। काफी टफ टाइम मिलेगा इन लोगों को जोन में मूवमेंट करने के लिए, हर टीम की यही कोशिश होगी वो जोन में जाके अपनी जगह बनाए, इसलिए अभी इनको ट्राई करना पड़ेगा अभी प्री मूवमेंट में। आप जासना है मैं ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी फाइट हमें देखने को मिल सकती है हम लोगों को, टीम 10 वर्सेस टीम 4। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर टीम 10 यहाँ पर भाई जो जो जिस लोकेशन पे भी टीम 10 है ना, टीम 10 है बेसिकली, वो कवर में रह के ही फाइट ले सकती है, बट यहाँ पर 300 डिफरेंट एंगल से उनको नेड्स करा सकती है, और अगर यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी हो जाए तो 300 के लिए वो ख़तरा होगा, पर अगर बात की जाए अगर 300 की, तो वो टीम वॉइड को इस पोजीशन से बड़ी अच्छी तरह चार्ज कर सकते हैं। अगर उन्होंने रश किया तो टीम वॉइड को एक एडवांटेज मिल जाएगा कि टीम 300 उनकी तरफ खुद आ रही है कि भी हाँ भाई यार पेटी बना दो, किल्स अपने नाम कर लो, पर 300 आई थिंक वो यही सोच रही है कि वो खुद हमें किल्स आके खुद दे दे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक बंदा स्पॉट किया हुआ है, पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको नोक लेने की, दोनों टीमें यही कोशिश करनी कि किसी का एक नोक दें और उसको कंफर्म करके उस पर रश करने की कोशिश करने के बाद यहाँ पे ये नोक हो सकते थे। बहुत प्यारा नोक निकाला टीम 300 के ने, अभी इसके साथ ये रश देंगे बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने, पुश कर सकते हैं ये लोग। अभी टीम वॉइड को ये बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, यहाँ पे टीम वर्ल्ड बहुत अच्छी जीत सकते हैं, यहाँ पे नॉक निकाल सकते थे, बहुत प्यारी पोजीशन थी वर्ल्ड क्राइम के पास, लेकिन उन्होंने अपना मौका गवा दिया। और इसी के साथ टीम वर्ल्ड बाहर होते हुए टीम 300 जी जी इन द चैट गाइस। भाई 300 ने यहाँ पर भाई तगड़ी फाइट दी है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर उनका एक प्लेयर जो है मोटू यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुका है, पर उन्होंने पूरी की पूरी वर्ल्ड टीम को भी अपने साथ अपने प्लेयर के साथ ही लॉबी में भेज दिया है। पर यहाँ पर बड़ी अच्छा जो है ना गेम प्ले 300 की तरफ से हमें देखने को मिला है, 300 ने काफ़ी तगड़ी फाइट यहाँ पर हमें दिखाई है भाई। और यहाँ पर यसनाया में फिलहाल जो होल्डिंग पोजीशन फिलहाल जिस टीम की है वो है जी टीम 300, और अभी यहाँ पर काफ़ी टीम्स हैं और भी आ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर सर्कल के अंदर यसनाया मौजूद है, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितने भी मैचेस स्पेक्टेट किए हैं अली भाई, वो यही होता है कि सर्कल जो है ना ऑटोमेटिकली यसनाया के लिए साइड पर जा रहा होता है, अगर यसनाया सर्कल के अंदर आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट तीन सर्कल होते हैं उसमें लाजमी रहता है। जी, एक्चुअली बात बिल्कुल ठीक है अर्पित, या एक्चुअली इसके अंदर भी ना एक टेक्निक है जो हर प्लेयर जो है ना वो नहीं फॉलो करता, जोन हमेशा
चार सर्कल से बना के उसके सेंटर में मूव करता है, आप देख सकते हैं यासना नाया और पुचंकी, ये दोनों ऐसी जगह है जो मोस्टली सर्कल के मिड में होती है, तो इन दोनों जगह पे सर्कल लाजमी शिफ्ट करता ही करता है, तो मोस्टली टीम जो है इसी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं ताकि ये जोन ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सके और वहां पे अच्छी फाइट भी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं टीम मजिशियन जो है यासनाई की तरफ रश करते हुए, लेकिन उनको क्या पता आगे टीम 300 वाले जल्लाद बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मजिशियंस, आई थिंक वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो एक फायर मिला तो उन्होंने अपनी रोटेशन बिल्कुल चेंज कर देनी है, पर यहाँ पर मजिशियंस बिल्कुल ये स्नाय वाली साइड पे बिल्कुल तवज्जो उनकी है ही नहीं, वो यहाँ से जस्ट क्रॉस कर रहे हैं और वो भाई आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पर भी रुकने का बिल सोच भी रहे हैं। और आगे अगर बात की जाए, अभी भी यहाँ पर हमारे पास 42 प्लेयर्स अलाइव हैं, हमारे पास 13 टीमें हमारे साथ खेल रही हैं, और भाई क्या ही अब बंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक कमांडर की टीम जो बेसिकली है वो अभी तक पांच यहाँ पर होल्ड करके बैठी है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि यहाँ पर कमांडर की जो टीम है जो बेसिकली एफएक्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, और कमांडर एचके बेसिकली बड़ा अच्छा प्लेयर है बॉय ये, और साथ इनके भी खेल रहे हैं भाई जन ड्रैगन बॉय, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक अच्छी टफ टाइम सामने टफ फाइट दे सकते हैं। ड्रॉप की तरफ फायर कर रहे हैं, वहाँ पर कोई है नहीं फिलहाल होता, बट लेट्स सी। अभी भी अगर बात करूँ तो प्लेयर्स सर्कल आपके सामने, एंड यू गाइस कैन सी के भी ये सर्कल अभी और छोटा होगा, और अभी 42 प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं टीम इश्तियारी की फाइट हो सकती है यहाँ पे, बिल्कुल दोनों टीमें आपस में बैठे हुए हैं अभी। बिल्कुल जी, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था फाइट हो रही है उन लोगों की दोनों टीमें। एंड अगर बात करूं, आई थिंक जट साहब इज द ऑल अलोन द सोलो वन मैन आर्मी, और यहाँ पर बैटमैन बेसिकली TSX के बैटमैन वहाँ पर खेल रहे हैं उसके बिल्कुल साथ, एंड जट साहब यहाँ पर अपने आप को हील करते हुए प्रॉपरली, ताकि भाई फाइट का प्रॉपरली जवाब दिया जा सके, और भाई रिपोर्ट भाई जान जो है ना वो बिल्कुल पोजीशन लेके खड़े हो चुके हैं फिलहाल, और लेट्स सी, स्मोक काफ़ी स्मोक डाल दी है, एंड नाउ जट साहब की आई थिंक गेम यहाँ पर जट साहब क्या करेंगे आप। जट साहब जो है ना काफी टफ टाइम दे सकते हैं इन टीमों को, हमने कई जगह पे जट साहब को 1v3 1v4 करते हुए देखा है, लेकिन देखते हैं क्या जट साहब यहाँ पे 1v2 कर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पर नेड्स की बारिश अगर देखी जाए तो टीम 12 ने तो अभी काफी नेड्स जमा किए हुए लगता है, और नेड्स पे नेड्स किए जा रहे हैं, एंड नाउ भाई दो साइड जो बेसिकली इन्होंने दे दी है बैटमैन ने एंड रिपोर्ट ने, दोनों डिफरेंट साइड से आ रहे हैं, एंड नाउ बैटमैन यहाँ पर भाई स्क्वाड हाउस में, ओ भाई साहब रिपोर्ट का एक प्यारा नेट, एंड जट साहब को डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, एंड यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट होते हुए टीम इश्तियारी के जट साहब, बट नो वरीज प्यारा नेट, और ऐसी पोजिशन में बंदा क्या कह सकता है भाई, नेट वाकई बेहतरीन था। बिल्कुल जी बिल्कुल, पोजीशन बहुत अच्छी थी रिवॉर्ड के पास जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो जट साहब सपोर्टेड भी थे तो बहुत प्यारा नेट रिपोर्ट मारते हुए। अभी हमें देखते हैं जी कहाँ पे हमें कुछ जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी आयशा यहाँ पे जाती हुई टीम BX की, यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिल सकती है, बिल्कुल आगे इनको शायद आइडिया नहीं है यहाँ पे बने, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई फायर का इनको आइडिया होगा, ये उन्होंने उसी वक्त वहाँ से मूव करने की कोशिश की है। हर टीम आपको पता है यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश ही करेगी, हर टीम कोशिश करेगी पोजीशन जो होल्ड करे, क्योंकि एंड के ऊपर उनको पता है किल्स निकल सकते हैं, हर टीम इसको पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करेगी। चारों बॉयज BX की अच्छी पोजीशन लेते हुए, बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पर JB बेसिकली जो पोचेंकी को भाई ये भाई फतह करके आई थी आगे की तरफ, अच्छी खासी किल्स काउंट अपने नाम यहाँ पर कर चुकी है, और अभी अगर बात करूँ 9 किल्स अभी भी इसके भी बैक पैक में मौजूद हैं, और अगर बात की जाए सामने की BX की तो BX का एक प्लेयर यहाँ पर दावन ने यहाँ पर भी नॉक किया है, और जल्दी से उसको रिवाइव मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत दूर हैं, और यहाँ पर टीम JB आई डोंट थिंक सो कि वो एकदम यहाँ से रश करने वाली है। उधर आप देख सकते हैं MES Killer ने भी एक नॉक निकाला है, MES वाले काफी टफ टाइम देंगे इन लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर बात की मैजिशियंस की तो मैजिशियंस भी सर्कल में आ चुके हैं, गाड़ी लेके मूव कर रहे हैं, रोटेट पे रोटेट किए जा रहे हैं, और सर्कल की अगर बात करूं तो सर्कल यार अली भाई आप सर्कल देखें खाली, सर्कल कितना सा है, एंड वी स्टिल हैव 40 प्लेयर्स ऑन दिस मैप, और अभी तक लॉन्ग डिस्टेंस वाला मैच चल रहा है, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मैच जिसको बोलते हैं ना, आज आपको वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 12 टीमें हमारे साथ मौजूद और 40 प्लेयर।
जी, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे। अब देखिए जी कौन सी टीम यहाँ पे अपना पाँव जमा सकती है। एम ई स्किलर अपनी अच्छी पोजिशन हासिल करते हो, अब देखते हैं जी एम ई स्किलर यहाँ से क्या करती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सिर्फ नाम नहीं है, वाकई मैं किल भी निकालता हूँ। तो भाई जबरदस्त किल यहाँ पर, और मजीशियंस ने यहाँ पर भी टीम है TSX के बैटमैन एंड रिपोर्ट को यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया। बट C4 की अगर बात करूँ, C4 ऑन द हिल यहाँ पर भी जो छोटी सी हिल यहाँ पर मौजूद है, C4 वहाँ पर भी कवर लेके यहाँ पर बैठी हुई है, और लेट्स सी कि यहाँ पर क्या बनता है। पोजीशन बहुत अच्छी है C4 को, लेकिन इन लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा चौकन्ने रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके राइट पे भी 300 की टीम है, वो भी इनको टफ टाइम दे सकती है। ये मनान यहाँ पे शेल्टर में होल्ड करते हो, मनान यहाँ पे मौजूद है, और 300 वाइब का AWM की शॉट C4 के एक प्लेयर को। और यहाँ पर भाई मनान भाई की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है शेल्टर वाली साइड पे, साथ ही इनके भाई GB की टीम मौजूद है। बट यहाँ पर अगर बात करूँ मजिशियंस की, तो मजिशियंस के पास 300 के बिल्कुल साथ ही C4 जो बेसिकली सैंडविच कंडीशन में मौजूद है, 300 और मजिशियंस के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर मौजूद, और काफ़ी यहाँ पर भाई वाइब को भी यहाँ पर काफ़ी डैमेज पड़ चुका है। एंड नाउ आहिस्ता आहिस्ता वाइब अगर बात करूँ तो वाइब आगे की तरफ मूव कर रहा है, और एकदम मैप जैसे रेंडर हो रहा होता है ना, ऐसा लगता है कि ओपन में जा रहा है, थोड़ी देर बाद पता चलता है उसके आगे कुछ पड़ा हुआ बिल्कुल। है। अभी C4 वाले एक काइंड ऑफ सैंडविच हो चुके हैं C4 वालों को, लेकिन बट अब देख सकते हैं मैजिशियन वाले दोबारा रोटेशन पे रोटेशन देते जा रहे हैं, वो बिल्कुल परेशान कर रहे हैं सब टीम्स को। एक दफा यहाँ पे होते हैं, वहां से रोटेशन देके दूसरी साइड पे चले जाते हैं, मैजिशियन वाले यहाँ पे आए हैं भाई, हम चिकन निकाल के जाएंगे तो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे मजिशियंस यहाँ पर आई थिंक किल्स प्लस चिकन के भी गेम खेल रही है, कि किल्स भी निकालेंगे और चिकन भी लेके जाएंगे, ऐसी प्लानिंग उनकी चल रही है। बट यहाँ पर 300 की बात करूँ, 300 के यहाँ पर दो प्लेयर्स यहाँ पर जो है वो नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर वांटेड लूट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी लूट इन्होंने अभी तक इकट्ठी कर ली होगी, बिकॉज इन्होंने एक टीम वॉइड को यस्नाया में नॉक फिनिश कंप्लीट किया है, और उसके बाद यहाँ पर अभी टीम C4 के साथ भी इनका अच्छा खासा फड्डा चलता रहा। बट यहाँ पर Sky9 की अगर बात करूँ, तो Sky9 की भी फाइट चल रही है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि टीम Sky9 यहाँ पर क्या कर रही है। जैसा कि आपको पता था, जोरो का मैंने आपको बताया था कि जोरो एक अच्छा प्लेयर है, मतलब कि इसकी गेम, मतलब बंदा कहे ना कि यार कि एकदम मतलब बाजी पलटने वाला बंदा, तो ही इज़ वन ऑफ देम। आप देख सकते हैं टीम मैजिशियन ने दोबारा शुरू कर दी है, और BSLR यहाँ पे TPP लेते हुए ट्राइंग टू सपोर्ट टीम SK9। लेकिन जैसा कि आर्थ भी बता रहे हैं, जोरो टफ टाइम दे सकते हैं इन लोगों को, बहुत प्यारा स्प्रे लड़के, लेकिन नोक निकालने से ये महरूम। पर साथ ही एंड देख सकते हैं जोरो अकेले रश कर गए हैं, क्या बात है लड़के। नाउ ही जस्ट कुक ए नेड, और होपफुली यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, ही इज स्पॉटिंग द पर्सन, बट यहाँ पर वो यहाँ से मूव कर चुका। नाउ कि यहाँ पर Sky9 की जो टीम है बेसिकली अली भाई, यहाँ पर आई थिंक बियर्स के लिए परेशानी का बायस बन जाएगी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत टफ टाइम देख रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं एक बॉय बचे, आप देखें क्या करते थे, पूरी टीम ने उस पर रश कर दिया, और साथ ही अब देख सकते हैं Sky9 बहुत प्यारा स्क्वाड वाइप करते हुए यहाँ पे पूरा। बिल्कुल, और लेकिन इन लोगों को जल्दी फॉरन करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वाड बिल्कुल यहाँ पर जी भी फॉरन यहाँ से मूव करेंगे, और सर्कल काफी डैमेज करेगा इनको। यहाँ पर भी इसका SK9 की टीम ने, Sky9 बेसिकली ने भी यहाँ पर बड़ा ही अच्छा चार्ज करके पूरी की पूरी बियर टीम को यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट देते हुए आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। लेट्स सी, नया सर्कल बन चुका है, वी हैव लाइक 30 प्लेयर्स ऑन दिस मैप, और ये छोटू से सर्कल में 30 प्लेयर्स अभी आएंगे। कमांडर की टीम का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक होते हुए, एंड लेट्स गो एंड चेक इट आउट, ये जो टीम उनके साथ C4 की मौजूद है, एंड नाउ यहाँ पर भी उनकी तरफ से भी काफ़ी नेड देखने को मिल रहे हैं। कमांडर यहाँ पर HL यहाँ पर भी नेड से फिनिश होते हुए, बट यहाँ पर दो प्लेयर्स टीम रेडी के रहते हुए यहाँ पर सर्कल काफी डैमेज कर देगा। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या बनता है। ड्रैगन इज हियर, अनदर गाय इज डाउन विद नेड, बट ड्रैगन इज हियर ऑल अलोन, नॉक करके कंफर्म करते हुए ड्रैगन बहुत प्यारी गेम खेल रहे हैं। टीम C4 को बहुत टफ टाइम दिया ड्रैगन ने, लेकिन टीम C4 को पता है एक बंदा पीछे है, इसलिए वो लड़का कोशिश करेगा कि अपनी मूवमेंट दे। बहुत प्यारा नेट, देखते हैं डैमेज मिलेगा, डैमेज मिला लेकिन नॉक नहीं निकाल सके, इसका भी बहुत प्यारा नेट। अब देखते हैं 1v1 कौन जीत रहे, टीम C4 वर्सेस टीम FX।
पर नेड्स पे नेड्स, यहाँ पर C4 का जो जोनी बॉय है ना, वो बिल्कुल बैक से कवर दे रहा है, और आई थिंक अभी इसको रोटेट करना चाहिए। ड्रैगन बॉय के लिए परेशानी का बायस बन सकता है जोनी बॉय, बट यहाँ बिल्कुल जी पर जॉनी भाई। और देख ऐसे टीम C4 ने बहुत प्यारा यहाँ पे स्क्वाड वाइप करते हुए एफएक्स का पूरा इसी इसकी इसी के साथ टीम एफएक्स नंबर 8 पे यहाँ से बाहर रहते हैं। लेकिन टीम C4 को जल्दी करनी पड़ेगी, जोन लेना पड़ेगा इन लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पर काफी उनके पास सिर्फ 4 किल्स हैं अभी यहाँ पर मौजूद, और अभी जल्दी से जाके इनको और काम करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर BXC अगर बात करूँ, BXC पूरी पूरी लाइनअप मौजूद है। जोरो की टीम ने अगर बात करूँ फाइट एक दफा फिर से ले ली, 2 प्लेयर्स इनके नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं, रिडलर्स के साथ इनकी फाइट चल रही। टोनर इसी के साथ बिल्कुल जी जोरो बहुत हाई लेवल की खेल रहे हैं। देखते हैं आप जी रिडलर क्या टैकल करते हैं, एक बार बचाए रिडलर का जिगर गोकू नोट इज जिगर बहुत प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत ओपी मूवमेंट देते हुए आज भी ओपन में जब भी बंदा को रश करता है जिगर देना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन यू डोंट हैव मूवमेंट्स यू विल बी किल्ड इन द फर्स्ट वे। बिल्कुल ऐसा ही है, और क्या जबरदस्त बात कर दी आपने। और साथ ही अगर बात करूं मैजिशियंस की, तो मैजिशियंस के किलर दोबारा से किल अपने नाम करते हुए यहाँ पर 6 किल्स अभी कर चुके हैं। ये शेल्टर में इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है, CU जल्दी से रिवाइव हो जाएंगे एंड हम चलते हैं टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ पर भाई अगर बात करूँ तो BX को पता चल चुका है कि मैजिशियंस जो है वो शेल्टर के अंदर भाई यहाँ पर बैठ चुकी है, और यहाँ पर अभी पोजीशन अपनी बना चुकी है। नाउ टीम लेट्स सी के BX क्या करती है। सर्कल के अंदर पहले से मौजूद है मन्नान की टीम का एक प्लेयर यहाँ पर नॉक होते हुए GB की तरफ से, और अगर बात करूँ फिनिश भी कर दिया साथ ही हाइस्ट ने। और बात दो मन्नान के प्लेयर, मन्नान की टीम के सिर्फ 2 प्लेयर्स रह गए। आप देख सकते हैं आरत भाई यहाँ पे किल चोरी करेंगे बहुत ज्यादा, नॉक निकाला GP ने और साथ ही BX वालों ने फायदा उठाते हुए किल चोरी करके अपने नाम किया। अब टीम मैजिशियंस को बहुत टफ टाइम दे सकती है टीम हाइस्ट, बिकॉज वो नीचे ग्राउंड में है, लेकिन उन लोगों को बाहर आके जोन भी पकड़ना है और साथ में टीम BX से अपनी जान भी छुड़वानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पर 2 प्लेयर्स है मैजिशियंस के यहाँ पर नॉक हो चुके। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हारिस जो यहाँ पर भी चार्ज करने के मूड में, हारिस दी ओनली गाय लेफ्ट नेट। लेट्स सी के हारिस यहाँ पे क्या करता है। हारिस नॉक यहाँ पर चार्ज होने वाला है आज से, एंड यहाँ पर हाइस ने मजिशियंस को भी नॉक फिनिश कंप्लीट दे दिया। एंड नाउ BX यहाँ पर काफी अच्छा और होल्डिंग पोजीशन पे खेल रही है। अगर बात करूँ BX की, BX मतलब किल्स नहीं निकाल रहा, BX आई थिंक प्लेइंग फॉर अ चिकन। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हर टीम की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। वो लोग अपने आप को जोन जोन में बहुत अच्छी पोजीशन इस वक्त GB के पास है, आप देख सकते हैं GB के पास। और इसी के साथ मनान पे चार्ज करते हुए C4 के लिए, C4 के लड़के पीछे बहुत प्यारी, लेकिन उनको देखना पड़ेगा आगे जो है। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बोला था इसको देखना चाहिए था, राइट पे भी एक बंदा है, मलिक ने बहुत अच्छा नाइस देखा, लेकिन C4 कवर देते हुए बहुत प्यारा लड़के, बहुत प्यारा कवर अपने बंदे को देते हुए। लेकिन इसी के साथ मनान पूरा कर कंफर्म कर चुके हैं, मनान ने बोला जी किल कंफर्म करो बाकी बाद में। बिल्कुल ऐसा ही, और यहाँ पर किल्स के तो पॉइंट्स हैं, और ये आज के जो 3 मैचेस होने हैं लेट्स सी इस पे टॉप स्कोरिंग कौन बैठता है। एंड प्यारा नेट जोनी बॉय का यहाँ पर, भाई मनान को भी यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया। हमारे पास अरे भाई फिलहाल टॉप 4 टीम्स हमारे पास रह चुकी हैं, जिसमें Sky9 हमारे पास मौजूद है, C4 मौजूद है, GB मौजूद है, एंड यहाँ पर BX के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर इन प्लेयर्स की, टॉप 10 प्लेयर्स ऑन दिस लिटिल सर्कल, क्या कहेंगे आप कौन जीतेगा यार पहली भी? अभी टीम जोनी बॉय जो है ये तो कोशिश करेगा होल्ड करने की, बिकॉज उसको पता है वो सोलो है और आगे उसकी जो है टीम्स हैं, तो वो कोशिश करेगा कि जोन होल्ड करे और अपनी टीम को अच्छी से अच्छी पोजीशन पे लेके जाए। लेकिन अब हम जोरो से काफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जोरो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है जोन में आने के लिए। अब देख रहे हैं जोरो को जोन का काफी डैमेज पड़ चुका है, लेकिन उनको देखना पड़ेगा, उनकी राइट पे है टीम GP और फ्रंट पे है टीम BX, दोनों ही टीम बहुत ओपी खेलते हुए। अब शायद यहाँ पे जोनी बॉय स्पॉटेड है, अब देखते हैं जोनी बॉय कैसे अपने आप को सेम कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पे जोरो का एक बॉय जो था आर्यन, उसके साथ काफी देर से ये काफी अच्छी किल्स निकाल रहे थे, एंड नाउ आर्यन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। जी जी यार, तो अब देख सकते हैं स्नाइपर इतने छोटे जोन में स्नाइपर यूज हो रही है, लेवल है बंदे का। और जोनी बॉय मैंने जैसा कि आपको बोला था वो कोशिश करेगा अपनी पोजीशन होल्ड करे, लेकिन बहुत ओपन में पुश दे रहे थे, BX के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जोनी बॉय को पूरा करने की। लेकिन अब देख सकते हैं जोरो ने GP के 2 नॉक निकाल के कंफर्म कर दिया है।
भाई क्या ही बात, यहाँ पर टॉप थ्री टीम्स हमारे पास लेफ्ट रह चुकी हैं एंड यहाँ पर C4 DX एंड GB GB को क्या जबरदस्त ये AW की शॉट जो इस टाइम पड़ रहे हैं ना, ओ भाई साहब मुझे भाई एकदम इतनी ऊंची आवाज बोले थे, क्या जबरदस्त शॉट हाइस्ट की, और भाई साहब आतंक को यहाँ पर नॉक किया है AWM की शॉट से। और अभी जो टीम GB है, GB के पास किल्स बहुत अच्छे काउंट हैं, और अगर बात करूँ 10 किल्स अपने नाम कर चुके हैं, पर यहाँ पर AWM के जो फटके पड़ रहे हैं ना हाइस की तरफ से वो वही देखने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, स्मोक की बहुत अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटजी करने का, हर टीम कोशिश करे कि अपने आप को सेव करने की। अभी इनको पता है भी, इनकी लेफ्ट में भी एक बंदा है जोनी बॉय, वहां से बहुत अच्छा इनको टफ टाइम दे सकता है जीबी वालों को। लेकिन हाइज के पास अब एक किस्म का बोलते हैं इनके पास रिच का एडवांटेज है, लेकिन जीबी को अब स्ट्रगल करना पड़ेगा जोन में जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ पर सर्कल में अगर दो या तीन बंदे हो ना, और कवर की बात करूँ तो कवर कुछ भी नहीं है, एक दरख्त सामने बिल्कुल जीबी के सामने मौजूद है, पर जोनी बॉय यहाँ पर एडवांटेज उठा सकता है। आतंक को यहाँ पे नॉक किया, बट जीबी के बाकी प्लेयर्स ने अच्छा कवर निकाला, बट बीएक्स ने हाइस्ट ने एक किल अपने नाम यहाँ पर भी कर ली, जल्दी से किल उठाइए जो जोनी ने यहाँ पे नॉक की थी, फौरन से हाइस्ट ने उस किल को उठाया। ना यहाँ पर 2v3 सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है, 5 प्लेयर्स अलाइव हैं, टॉप 2 टीम्स लेफ्ट जीबी एंड बीएक्स। जी बीएक्स ने बहुत प्यारा प्ले मारते थे, शायद गाड़ी के डैमेज से दोनों कंफर्म हो सकते हैं, कोशिश कर लीजिए अपने आप पे एक आधा स्मोक डालने ताकि सेव कर सके। बहुत प्यारा नॉक लड़के बीएक्स मिनाटो। Now the final player here, और वो revive के लिए उठ भी नहीं सकता, मतलब के भी situation check करें। इनके पास smoke नहीं है, वरना आपने अभी बहुत अच्छा cover बना सकते थे। अब एक वाइब बता जीपी का, अब देख सकते हैं टीम हाइस्ट जो है बीएक हाइस्ट इन पे पुश करते हुए डिफरेंट एंगल से, और भाई AWM तगड़ी शॉट यार, जीजी हो गया, गुड गेम प्ले बाय टीम बीएक्स, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और अगर बात करूं यहाँ पर बीएक्स की, तो बीएक्स ने यहाँ पर भी 8 किल्स निकाल के चिकन डिनर किया है, और अगर बात करूं जीपी बड़ा अच्छा गेम प्ले बताया हमें, और एक अच्छा किल्स अगर बात करूं यहाँ पर C4 की, तो C4 यहाँ पर आज के तीसरे नंबर पे जीपी, सेकेंड एंड बीएक्स फर्स्ट प्लेस पे, SK9 की बात करूँ काफ़ी दो प्लेस हमारे आने stopping us, fly without boarding pass, couldn't catch me, I'd be moving fast, call me a shooting star, let them know who you are, flying up in a bar, wish on a star, time to show them who's in charge, call me a shooting star. Get some calls.
too far. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Shoot.
Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Too far, get to glass.
ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. Mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Get to
I'm moving too far. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. वेलकम गाइस, जैसा कि पहला मैच आपने देखा बहुत ज़बरदस्त किया, तो ये हमारा दूसरा मैच है। अब प्लेन पाथ आप देख सकते हैं, बहुत आइडियल बना है, बिल्कुल परफेक्ट। हर टीम अपने लैंडिंग स्पॉट पे इजीली जा सकती है। ये एक ऐसा प्लेन पाथ है, इससे हर टीम अपने लैंडिंग स्पॉट को ईजिली जो है ना एक्सेस कर सकती है। आपका क्या हाल है हारिस भाई इसके बारे में? सही है, और अगर बात करूँ टाइमिंग की, जो टाइम दे दिए ना आपको, उस टाइम पर ज्वाइन करना बनता है। यहाँ पर हमें काफ़ी पीछे से टीमें जो पहले से आके बैठी होती हैं, वो हमें अभी फोर्स कर रही होती हैं स्टार्ट करें। तो भाई हम भी यहाँ पर प्रेशर में होते हैं, हमने सबको गेम खिलानी है भाई, पर अब क्या कर सकते हैं इस पर। पर अभी इस गेम में हमारे पास 48 प्लेयर्स हमारे पास, और यहाँ पर मिलेंगे हमें मीरामार में। मीरामार शुरू का बहुत स्लो मैप है, पर एंड में जो फाइट्स निकलती ना मीरामार की, बिल्कुल जी रिजी एरिया है ना, तो यहाँ पे फाइट हमें बहुत अच्छी देखने को मिलते। आप देख सकते हैं भाई, मोस्टली टीम जो है ना वो प्लेन पाथ की लेफ्ट साइड पे जाना पसंद करेंगी, और एज यूजुअल एमईएस अपनी सेम लैंडिंग स्पॉट वेल्दमार, और यहाँ पे हमें अर्ली फाइट देखने की चांसेस मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और टीम वाले ओपन में लैंड होते हुए, इसकी बात करूं तो बीएच तो बिल्कुल सेपरेट लोकेशन पे, किलर ने आते ही यहां पे योलो को डाउन किया। And now you guys can see Khan is on the different side, Tokyo is on the different side, and ICV is on the different side. मतलब कि ये तीन चार players, चार के चार players different side पे बैठे हैं, और यहाँ पर Khan को भी यहाँ पे knock कर दिया magicians के boy CU ने। तो भाई CU ने कहा भजन Khan भाई CU, and now the two players left Tokyo and ICV, and now let's see magicians is here, magician यहाँ पर खड़े हैं, और सामने जो टीम मौजूद है दैट इज़ अ टीम BH the bounty hunters, दो प्लेयर्स लेफ्ट इनके, ICV अभी इतनी खास लूट भी नहीं हुई होनी अली भाई, और लेट्स सी कि इनका क्या बनता है। टोक्यो यहाँ से भी जल्दी से लूट करके आगे की तरफ मूव करेगी, और साथ ही यहाँ पर ICV भी यहाँ पर मौजूद है। अर्ली फाइट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भाईजान लूट आपके पास होती नहीं है, वेस्ट आपके पास होती नहीं है, हेलमेट आपके पास होता नहीं है, थोड़ी सी बुलेट्स कनेक्ट होती हैं एंड यू आर डाउन। हारस भाई जो है ना स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत गंदी मूव भी हो सकती है, ICV इनको इजीली स्पॉट कर सकते हैं। ये जो है ना योलो को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, किल कंफर्म करेंगे, और मैजिशियन ने यहाँ पे बताया भाई हमारा लैंडिंग स्पॉट है, यहाँ पे आप आई के लेने हो। BH वालों को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं ये लोग, लेकिन टोक्यो बहुत अच्छी पोजिशन लेते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड टोक्यो यहाँ पर देख रही है कि यार कि क्या सिचुएशन अभी बन सकती है, पर मैजिशियंस यहाँ पर ICV की तरफ मूव करते हुए, एंड यहाँ पर ICV को यहाँ पर किलर ने भी दोबारा से डाउन कर दिया, नॉक कर दिया, एंड नाउ टोक्यो इज हेयर। टोक्यो का स्प्रे 1 HP लेवल, बट यहाँ पर भाईजान किलर जो है ना, किलर तो यहाँ पर छा गए हैं यार, किलर ने यहाँ पर अपने नाम अच्छी खासी किल्स यहाँ पर कर ली, किल आते साथ 3 किल्स अपने नाम किए हैं, एंड BH इज बैक टू लॉबी, और काफ़ी अच्छी टीम है, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिंदगी में। पर यहाँ पर इश्तियारी की फाइट चलना स्टार्ट हो गई है, इश्तियारी एंड BX लास्ट जिन्होंने चिकन जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड चिकन शॉर्ट गन, एंड यहाँ पर भाई अभी तक मैप हमारा रेंडर नहीं हुआ। जट साहब इज ऑल्सो डाउन, यहाँ पर भाई अभी उजी इज लेफ्ट ये अकेले बचेंगे, उजी कंफर्म करने की कोशिश करेगा किल। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही है जी, उजी ने कंफर्म किया, लेकिन देखते हैं अब उजी कैसे टैकल करते हैं BX वालों को, 3v को। BX वाले बहुत हाई एंड पे गेम खेलते हुए, लेकिन उनकी उनको भी पहले अपनी हील करना पड़ेगा, डायरेक्ट पुश देते हुए, और लड़के क्या खेल रहे थे,
और इसी के साथ BX बहुत प्यारे BX पूछ लिया कि पूरी लाइन अप वाइप करते हुए भाई मुझे जिस बॉय की गेम पसंद आ गई है दैट इज अ BX हाइस्ट और हाइस्ट की गेम भाई जो उसने AWM की शॉट्स मारे ना लास्ट सर्कल में भाई मैं कभी AWM निकालूं ही ना ऐसे सर्कल में बट उस बॉय ने उधर भी रिस्क लिया है कि यार के लास्ट सर्कल में बॉय AWM से खेल रहा है एंड ही जस्ट फिनिश्ड द लास्ट गाय विद AWM एज वेल आज भी दे सकते हैं मनार भाई इस वक्त इस दफा अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं उनको पता है BX यहाँ पे है और वो अपनी पिछली गेम का बदला लेने के लिए यहाँ पे BX पे फुल पुश करते हुए यूसुफ यहाँ पे TPP लेते हुए देख रहे हैं बंदे स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं देखते हैं जी क्या करते हैं यहाँ पे मनान भाई वन वी वन एक नोक निकालते हुए बहुत प्यारा मनान भाई मनान ने दो BX को बहुत टफ यहाँ पे देख सकते हैं BX की रश करते हुए यहाँ पे पुश देना चाहिए जी 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 अपने दोनों बंदों को रिवाइव भी देते हुए बिल्कुल ऐसा ही और बीच में अगर मनान भाई की टीम की अगर बात करूं तो उसने एक बॉय को फिनिश करने की कोशिश भी की है पर उसको कर नहीं पाया वो इस ऐसे पैनिक सिचुएशन में हो गया कि भाई जन उसको फिनिश नहीं कर पाया बट आई थिंक यहाँ पर भाई हाइस्ट ने ना अपनी यहाँ पर मैं उतारू ना हाइस्ट का मैं फैन हो गया यहाँ पर भाई लास्ट मैच में भाई इसकी AWM का फैन हो गया मैं स्नाइपर बॉय क्या चलाता है यार लड़का और यार अगर बात करूँ यहाँ पर BX की तो यहाँ पर आई थिंक इस मीरा मार के मैप पे भी BX एक अच्छा टफ टाइम दे सकती है हर टीम को यहाँ पर और लेट्स सी अगर अभी बात करूँ GB की तो GB एक सेपरेट लोकेशन में मौजूद है साथ ही अगर वेरोनिका की बात करूँ तो वेरोनिका इज हेयर विद रिपोर्ट एंड बैटमैन तो ये अच्छा गेम प्ले करते हैं और लेट्स सी आई थिंक यहाँ पर इनकी फाइट पॉसिबल है JB के साथ बट GB के साथ सॉरी एंड यहाँ पर GB जो यहाँ पर गाड़ी से जल्दी से यहाँ से मूव करेगी एंड पास ही यहाँ तक दूर दूर तक खैर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा लेट्स गो यहाँ पर कोई टीम देखते हैं जहाँ पर एलीट की बात करूँ अगर लेट्स गो टू एलीट तो एलीट यहाँ पर तीन फेस खेल रहे हैं एंड बाकी पे लीड जो है ना बहुत ओपी खेलते हैं लड़के इनका स्पेशली इनका भाई क्या स्प्रे देता है ये iPhone 12 Pro Max और ये दिखाता है भाई बाकी मैं खेलता हूँ अभी देखते हैं जी अर्ली फाइट हमें बहुत अच्छी यहाँ पे मिल गया मैजिशियन वालों ने BX वालों को दूर जिता दी और BX वालों की वो क्या ही कहना दो दो टीम ने रश किया दोनों को सर्वाइव करते हुए आयुष भाई क्या खेला है वहाँ पे Now BX once again and यहाँ पर Elite versus BX हो चुका है and one guy is down BX Ninja is coming back for भाई teammate भाई अब let's see Kamran on the top अभी यहाँ पर भी position यहाँ पर बना रहे हैं कि जल्दी से उसको knock finish कर सकें but यहाँ पर team BX अपनी position इतना तगड़ा hold करके बैठे हुए हैं कि वो भाई जन अभी फिलहाल head का दीदार नहीं करवाने वाले ऐसा मुझे लगता है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था देख रहे हैं हाई स्किल कंफर्म करने की कोशिश करेगा और उसको कंफर्म करके वापस कवर में भी जा चुकी भाई BX क्या ही खेल रहे हैं क्या ही खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं मीरामार एक ऐसा मैप है जहाँ पे DMR बहुत ज्यादा यूज होती है और उस बंदे ने नोक भी निकाला था अभी इन लोगों को लाइट पर काफी टफ टाइम दे सकते हैं ये लोग और साथ ही देखें जी एक और नोक निकाला BX हाइट ने क्या चला रहे मिनी 14 भाई BX हाइट ओपी भाई ओपी बिल्कुल ऐसा ही और इनका एक प्लेयर आई थिंक जो कि DC है और आई थिंक वो यहाँ पर अभी तक बैठा हुआ है यहाँ पर इस बॉय को नॉक किया जा सकता है बट आई थिंक अभी तक टीम एलीट के नज़रों में नहीं आया ये बॉय बट यहाँ पर हाइस्ट और भाई एक दो बॉयज यहाँ पर भाई दो बॉयज वर्सेस टू वर्सेस टू सिचुएशन ही है एलीट के साथ बट एलीट के पास यहाँ पर हाई ग्राउंड है और यहाँ पर भाई नज़र पड़ गई BX के लास्ट प्लेयर के ऊपर किल कंफर्म किया यहाँ पर एंड नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर क्या बनता है 2v2 सिचुएशन विद BX एलीट दोनों ही पुश देते हुए जी 2v2 बहुत जबरदस्त यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है लेकिन इनको भी देखना पड़ेगा आगे भाई हाइस्ट है जब हाइस्ट की गन चलती है तो भाई
लाशें बिछ जाती हैं वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है ना, हाइस्ट वही कह रहा हूँ ना बंदक के भी। मैंने उस बॉय की गेम आज फर्स्ट टाइम देखी है और आई एम इम्प्रेस्ड भाई, वो काफ़ी अच्छा बॉय खेलता। बहुत अच्छी रोटेशन देते हैं भाई, देखते हैं जी लीड क्या करता है। लीड कामरान और लीड निंजा ओपी खुशी को हाई स्टैंड मोटू। दोनों टीमें कोशिश करेंगे आरएस भाई बंदे को स्पॉट करने की, डायरेक्टली रश नहीं करेंगी, कोशिश करेंगी एक को नॉक करें देन रश करें। भाई मेन प्लेयर को यहां पे डाउन कर दिया गया, हाईस्ट यहां पे नॉक एंड नाउ सारी की सारी नाटू भाई जान के ऊपर सारी की सारी कंधों पे जिम्मेदारी। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या बनता है। कामरान काफ़ी डैमेज दे रहे हैं, निंजा जा रहे हैं एंड फाइनली यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट होते हुए नाउ मजिशियंस आ चुकी है यहाँ पर टॉप ऑन द हिल। आई थिंक आरिस को यहाँ पर गन फायर आ चुकी होगी अपनी फोर बाय फोर। मैजिशियन ने बोला भाई हम थर्ड पार्टी से पीछे क्यों हैं, उन्होंने बोला भाई लीड वाले लड़े हैं, लीड वालों से वैसे ही तसल है। अब देखते हैं जी, फिर दोबारा 2v2 सिचुएशन हमें देखने की नजर आ रही है क्योंकि मैजिशियन के यहाँ पे दो बॉय नजर आ रहे हैं, दो नहीं है लेकिन सम काइंड ऑफ लीड वालों के पास बहुत अच्छी पोजीशन है, कवर है उनके पास और हारिस को ओपन में इन बंदे स्पॉट भी करने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे। बहुत अच्छे हारिस का क्या स्प्रे भाई, आपको बोला है जब हारिस की M4 चलती है तो भाई बत्तियां निकाल के अगले बंदे को वैसे ही परेशान कर देती है। पर यहाँ पर लीड के बॉय को बड़ा इजीली रिवाइव मिल जाएगा, बट यहाँ पर हारिस अपने आप को हील अप कर रहे हैं। बट अगर थर्ड पार्टी की बात करूं तो टीम बियर यहाँ पर भाई कहती है लेग पीस के साथ मुझे चेस्ट पीस भी चाहिए, तो भाई मेरे ख्याल से यहाँ पर मैजिशियंस के साथ लीड का ये पंगा हो सकता है यहाँ पर बड़ा तगड़ा किस्म का। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन लीड वाले जो है ना इस वक्त अबाउट सैंडविच हो सकते हैं, लेकिन बियर वाले सोचेंगे पहले रश करने से क्योंकि उनको ओपन में रश करना है और लीड वालों के पास बहुत अच्छा कवर है। लेकिन एमईएस फुल कवर देते हुए साथ ही सीयू फ्लैंक करते हुए देखते हैं जी एमईएस और लीड में कौन यहाँ पे बाजी ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारे साथ टीम इश्तियारी के भी बहुत जाने माने बंदे जट साहब हमारे साथ मौजूद आ चुके हैं हमारे पास ब्रॉडकास्ट से हमें ज्वाइन करते हुए। जट साहब क्या हाल है, कैसी रही आपकी गेम आज? जी जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? ठीक ठाक है सर, ए वन करम अल्लाह का। बट यहाँ पर इश्तियारी आज परफॉर्म क्यों नहीं कर रही मुझे ये बताए सर, ये इश्तियारी का मेन बंदा आप लोगों ने अपने पास रखा हुआ तो कहाँ से परफॉर्म कर रहा है। बिजी था पता है, पहला रमजान था तो आज सारे बंदे इफ्तारी पे कहीं आगे पीछे निकले हैं सब कुछ ठीक है, तो इसकी वजह से तो अभी सेकंड में बैड लक, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं गेम है भाई, सब गेम की तरह खेले, सब अच्छा खेलने वाले लड़के हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसा, ये स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट वाली बात हो जाती है कि अगर देखो हार जीत गेम का हिस्सा है, अगर हार भी गया ना तो वो स्टार्ट का जो बटन है वो गेम से ख़त्म नहीं होने वाला, यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन। और भाई खेल खेल के ही बंदा परफेक्ट होता है, फर्स्ट गेम में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपकी बात 100% बिल्कुल जी, डायमंड वाली बात होगी एक किस्म की। हारिस जो है ना वो कॉन्टिन्यू सी बंदे स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लीड वाले उनको पता है भाई यहाँ पे फाइट मिली ले सकते हैं और वो उन्होंने बैकअप करने की जो है ना बहुत अच्छा फैसला लिया। लेकिन अब देख सकते हैं वहाँ पे लीड वालों का हो गया बहुत अच्छा कवर, ऑलमोस्ट बंदे यहाँ पर मैजिशियंस काफी आगे जा चुके, किलर बिल्कुल सामने जा चुका है एलीड के एंड हारिस बैक साइड से जो कवर दे रहे हैं वो भाई एलीड के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। और जो स्प्रे आ रहा है बैक एंड से एलीड के ऊपर वो भी एक हैवीली स्प्रे है एंड बियर यहाँ पर अभी तक उसी सिचुएशन में मौजूद है कि बैक साइड पे आई थिंक वो नॉक देखेगी किल फील्ड में कि यार बंदे नॉक हो रहे हैं एंड नाउ वी नीड टू चार्ज ऑन देम, तो आई थिंक वो यही सीन सोच रहे हैं। जी जी हो गए, मैंने आपको बोला था भाई जैसा कि आरस भाई लीड वाले जो है ना बहुत एक
जबरदस्त गेम खेलते हैं, देख सकते हैं एमईएस किलर को नॉक कर कंफर्म, एमईएस डेवल को भी निंजा ओपी नॉक करते हुए, हारस अकेले बचे हैं, देखते हैं जी हारस अब क्या पे 1v2 करेंगे या फिर अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर सीयू और हारिस बिल्कुल बैक साइड से भागते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर डेविल को भी बचाया जा सके, ताकि गेम में एक लास्ट मोमेंट पे जो टीम्स की जो स्क्वाड की हमें ज़रूरत होती है ना वो एटलीस्ट तीन हो। तो टीम मैजिशियंस के बॉयज एमईएस जो है वो तेज़ी से भागते हुए आ रही है, ताकि भाई यहाँ पर एलीट के साथ मुकाबला कर सकें और जल्दी से किल्स अपने नाम कर सकें और अपने डेविल के बॉय जो है उसको रिवाइव भी कर सकें। लेकिन निंजा पूरी कोशिश कर रहे हैं बंदा कंफर्म करने की, अब देखते हैं जी एमईएस हारस और एमईएस ये एमईएस हारस और ये जो एलीट के प्लेयर हैं निंजा, ये पहले एक ही स्क्वाड के थे, फ्रेंडली हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है इनके साथ हमारा रिलेशन है, पर वो पंजाबी में सारे ने टकटे दा बह रहे हैं ना दोनों आपस समझ आई कि नहीं मेरी थोड़ी, मैं थोड़ी जी जनाब ये करूंगा पंजाबी इंग्लिश उर्दू मिक्स ही होगी भाई जी साड़ियां गल्लां इंडिया दियां ने की कर सकते हैं। वो बात बहुत कहते ना 16 आने क्या मांग रहा था मैं, सच है 16 आने सच है जी, ये 16 आने सच है तो तक की पर हारिस भाई का भी क्लोज कंपैक्ट बहुत अच्छा है और इसका निंजा ओपी का भी क्लोज जोन सा क्लोजिंग काउंटर बहुत प्यारा है इस लड़के का निंजा ओपी का, बिल्कुल ऐसा ही। और देखते हैं मसेर जी कह रहे हैं आई कैन हियर जट्स चैट में लिख रहे हैं ऑल पे किया होगा माइक नहीं दी स्ट्रीम पे जा रही है मेहरबानी जी मेहरबानी मसेर, अच्छा अच्छा स्ट्रीम पे जा रही है उनके बाद तो जी मसेर भाई लव यू हो गया जी, आप लोगों को भी काफी अरसे बाद ऑन स्क्रीन हुए हैं जी। आरस भाई हमारे जो है ना एक किस्म के मैसेंजर समझ लें, काफी अच्छा आरस भाई के साथ हमारा जो है ना ताल्लुक है और माशाल्लाह से काफी अरसे से हम लोग जाते हैं। वैसे डिड यू रिमेंबर द फर्स्ट गेम वी प्लेड विद आरस भाई? या आई नो लिटरली हारिस भाई इस वक्त बीएक्स साइड की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं किसी बंदे को स्नाइपर बोलूंगा तो मैं भाई हारिस भाई को बोलूंगा। डीमन भाई बशर खान जट जी 1v4 कार 98 के साथ 1v4 कार 98 के साथ वो भी क्लोज में वो भी क्लोज में वो मैं टीडीएम इतना खेला हुआ है उस टाइम, मैं बस उस टाइम मैं टीडीएम ही खेल रहा था उस टीम के साथ K9 के साथ जो 1v4 किया वो ये जनाब ब्लू जोन में अब इनका जनाब मैच हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा मुझे इसमें बैकअप करना चाहिए इन दोनों टीमों को आपस में, पर मुझे नहीं लगता, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इट कुत्ते का बैर है इन दोनों का टीमों का आपस में ये नहीं जाने वाले आगे पीछे है ये मरो या मारो इतना नहीं जाना एक एनएन के भी आज या आ रहे या पा रहे भाई दो टीम असएनजी मर जाना है आरएस भाई फुल फॉर्म में ना जाना है ना होना है, पर ये ट्राई अगर ये दिमाग के गेम खेलेंगे तो आई थिंक सो ये मूव करेंगे बैक फॉरवर्ड मुझे जहां तक लग रहा है। पर बात करूं देखते हैं कामरान की तो कामरान तो फुल फॉल बैक कर रहा है निकल रहा है वहां से जी नजर आ रहा, लेकिन आरएस पे आप यहां पे देखें ना तो सीयू यहां पे बहुत अच्छे किल निकाल सकता है, निंजा बिल्कुल ओपन में बैठा है, जैसा कि मैंने आपको बोला सीयू यहां पे निंजा को नॉक कर सकता है बिल्कुल, आरएस क्लोज इन करेगा देखते हैं जी क्या करते हैं, वही बात हुई हारिस क्लोजिंग कर रहे हैं देखते हैं उसको 1v2 यहां पे कर सकते हैं कि नहीं, कामना पूरी कोशिश करेगा कोई आईडिया नहीं है कि मेरे ख्याल मुझे नहीं लग रहा उसको अभी तक बंदे स्पॉट ये अब उसने मारा ये देखें सीयू ने हां देख लिया निकाल लिया बहुत क्या ये काम पहले करना चाहिए था जो उसको अब याद है ये दूसरा कामना और हारिस को यहाँ पे नॉक फिनिश के नॉक कर दिए एंड कामरान इज द ओनली गाय लेफ्ट हियर और सीयू के ऊपर सारी जिम्मेदारी की क्या बनता है यहाँ पर हारिस को कंफर्म करते हुए कामरान आसान में सी अब देखें ये 1v1 की फाइट है देखते हैं जी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कामरान यहाँ पे एक जोन में जाना ही बेटर समझेगा वो यहाँ पे फाइट नहीं लेने जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऐसे यार तो ये तुम क्या सीन है जो तुम बोली जा रहा है कामरान वही रिपीट किए जा रहा है
अली ये इसको बोलते हैं हर्ष दिल भाई से दिल का एक्सपीरियंस। प्रयोग, दिल से दिल का कनेक्शन हुआ है बिल्कुल जी, आपका। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बोला है। देखिए अब सीयू कोशिश करेगा जितनी ज्यादा से ज्यादा हील उठा सके, तो कि अब उसको गाड़ी भी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अब आप जोन में देख सकते मैप पे देख सकते हैं गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, गाड़ी फोर कवर कर पाते हैं कि नहीं। नहीं तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हील उठाएं और अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करें। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे ये लड़के दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सीयू थोड़ा बैकअप में रह के तो वहाँ से नहीं करना। देखते हैं जी एनके वाले इंडिगो इंडिया यहाँ पर BTS वर्सेस मौली होने वाला है यहाँ पर। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या बनता है, इन दो टीमों का टक्कर यहाँ पर कैसी बनती है। यहाँ पर मजनू इज इन फ्रंट ऑफ दैट गाय के बिहार के बीच जल्दी से यहाँ पर चार्ज करने वाला सीन, पर मजनू बहुत ओपन यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं भाई। BTS के दो प्लेयर्स यहाँ पर डाउन, जॉनी इज द ओनली गाय लेफ्ट। जोनी भी काफी डैमेज है, अब देख सकते हैं BTS के बोली वालों ने कोशिश की है भाई। क्या है क्या पुलिस सपोर्टेड है, अब देखते हैं जी 1v4 की शुरू होगी यहां पे। ये जोनी देखे ओ गॉड, थर्ड पार्टी होते भाई। यहां पर सीन ये है कि बिल्कुल उससे वॉल के नीचे वाली जो साइड ओपनली रश करने का फायदा नहीं। मुझे लग रहा है कि गलत कॉल की वजह से ये आपस में इनका मिसअप जोन सा ना ये हुआ। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर तीन प्लेयर्स अपने नाम करते हुए टीम मौली, और यहाँ पर अगर बात करूँ इन्होंने मौली भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। बट अगर अभी टीम्स की बात करूँ, हमारे पास 9 टीमें 25 प्लेयर्स ऑन दिस मैप यहाँ पर हमारे पास रह चुके हैं, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एक टीम रिडलर आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल बैक एंड से आते हुए सर्कल की तरफ, और मे बी उनकी यहाँ पर भी क्लैश हो सके मौली के साथ। बट यहाँ पर सर्कल जो नेक्स्ट बनता जाएगा वो भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गेम प्ले हमारे पास और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। जैसे सर्कल मीरामार का छोटा होता है वैसे ही गेम इसमें इंटरेस्टिंग चलती रहती जी। मेरा पर एक इस किस्म का मैप है जिसके पास हाइट एडवांटेज है वो यहाँ पे जाएगी। ये कॉम्पिटिटिव आप जितनी भी गेम्स खेल लें द जोन इज द की, बिटवीन गोट द जोन विल गेट द चिकन। बिल्कुल ऐसा ही, और यहाँ पर अगर सर्कल की बात करूँ एंड भाई सर्कल अभी नेक्स्ट कहाँ पे शिफ्ट करता है कोई पता नहीं, पर यहाँ पर जीबी की फाइट हो चुकी है रिडलर के साथ एंड रिडलर को यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया है, और जीबी जो बेसिकली टीम है उन्होंने बहुत अच्छा गेम किया। थैंक यू सो मच पेंडोरा टीवी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हम आपके फ़ैन हैं, यू गाइस नो दैट आल्सो भाई, आप सबका फ़ैन भाई जीवन भाई है ये आपको पता है। एंड रमज़ान मुबारक ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो भी स्ट्रीम देख रहा है एंड जो भी है, लव यू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, दिस इज वेरी लवली थिंग कि आप तुम लोग आए हो, थैंक यू सो मच। तो अगर मैच की मैं आपको बातें बताऊँ तो भी अभी जो मीरामार का जो मैप है वो लास्ट सर्कल में बन रहे होते हैं, अभी 23 प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, सर्कल छोटा सा रह चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो टीम्स मूव कर रही हैं सामने सामने अब नज़र आना स्टार्ट कर रही हैं। जल्टन भाई ने बड़ा सर्कल में तो इन हो चुके थे पर मेरे ख्याल से उन्होंने गलत फैसला किया सीधा सेंटर में आने के लिए, उनको सर्कल के एज पे खेलना चाहिए था क्योंकि अकेले बंदे सर्वाइवल से वन मैन आर्मी पे राइट, ठीक है तो वो उन्होंने गलत किया। पर मेरे इतिहास से जोन प्रेडिक्शन के लिहाज से चला गया जी, जोन बहुत हार्ड शिफ्ट ले गया अपने पर, पर ये अपार्टमेंट्स की फाइट होने वाली है सारी जी मुझे लग रहा है जहाँ तक हील बैटल चलने वाली, पर हमारी इन छोटी टीम्स में हील बैटल करने का कोई सेंस ही नहीं है ज्यादा बंदों में, वो सब कहते हैं भाई फाइट करो मारो मारो मारो। आप कंपटीटिव मैचेस देखें बड़े बड़े अच्छे वाले, एक बंदा उन्होंने प्रॉपर हील बैटल लगा देते हैं पीछे, 23-23 किटें देखें जी मैंने बंदों ने उठाई होती हैं एक बंदे ने। जो हील बैटल वाले जो प्रॉपर सीन चलता था ना वो जो प्रॉपर अगर आपने पबजी के प्रॉपर टूर्नामेंट वो बिल्डिंग्स में ही चलता जी, हां जी वो बहुत हैवी चल रहा था। तो मैंने दो तीन मैचेस देखे जो शेल्टर में एक टीम ऊपर वाली साइड पे थी एक नीचे थी, मतलब ऊपर वाली टीम नीचे नहीं जा सकती नीचे वाली ऊपर नहीं आ सकती। वहां पर जो हील बैटल हुआ था एक उनका सीन ये था कि एक प्लेयर ने अपनी सारी एनर्जी ड्रिंक और मैट किट्स एक प्लेयर को दे दी और वो बाकी दोनों मर गए, पर वो एंड पे वो जीत गए क्योंकि उनके पास कुछ भी
सारी सारे प्लेयर्स की मिल के इतनी सारी हिट्स मिल गई थी कि उन्होंने बड़ा इजीली हील बैटल जीत लिया था। जाहिर सी बात है वो सारे अकेले के जी, अगर आप देखें ना तो जो ट्रिक है वो मेन ट्रिक ही यही है, अगर आप सारे इकट्ठे करना शुरू कर देंगे ना हील बैटल तो आप उतनी देर सर्वाइव नहीं कर सकते। इससे बेटर ये होता है भाई दो बंदे कोशिश करें गार्ड करने की और आप एक ही बंदे को हील बैटल पर बैठा दें, अपनी सारी हील्स दे दें, क्योंकि एक अगर आप तीन बंदे तीन तीन हील्स डिवाइड कर रहे हो एक बंदे के पास नो हील्स है वो ज्यादा देर सर्वाइव कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, बट यहाँ पर अगर टीबी की बात करूँ आर्यन इज हियर, बैटमैन इज हियर, ओपी इज हियर और यहाँ पर इनका अभी तक कोई किल नहीं है, दो प्लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट रोटेशन से खेल रहे हैं। यहाँ पर सी फोर की बात करूँ तीन प्लेयर्स रह चुके हैं, बियर के तीन प्लेयर्स हैं, यहाँ पर मौली के दो प्लेयर्स रह चुके हैं हमारे पास और अलीड का ओनली वन गाय लेफ्ट इज कामरान और कामरान यहाँ पर आई थिंक तीन किल्स और टोटल अगर किल्स एलीट की किल्स की बात करूँ तो छः किल्स अपने नाम करके यहाँ पर अभी तक टॉप सिक्स में यहाँ पर भी स्टैंड कर रहे हैं, तो गुड गेम बोल। और सारी टीमें जो आ जाई हैं एज अ फ्रेंडली मैच खेलने सब अच्छा खेलने वाली हैं, तो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में बड़ा टफ है। बिल्कुल ऐसा ही है एंड बाकी अभी जो सामने टीवी की कामरान के साथ एक अच्छी फाइट शायद हमें देखने को मिल जाए, सर्कल में मौजूद हैं, कोई चांस नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि क्या सीन बनता है यहाँ पर, और सामने आर्यन की नज़र भी शायद कामरान के ऊपर ही है और सामने सी फोर जो हाई ग्राउंड लेके बैठी हुई है वो यही चाह रही है कि यहाँ पर हमें कोई बंदा स्पॉट हो एंड दीज गाइज वांट टू स्प्रे ऑन दैट ऑन द प्लेयर और ताकि वो जल्दी से यहाँ पर अपने नाम किल्स कर सकें। सी फोर के पास अभी फ़िलहाल जो प्लेस है वो बहुत तगड़ी प्लेस है और अच्छी खासी किल्स यहाँ से खड़े पे खड़े निकाल सकते हैं। तो वो पीछे है, मुझे नहीं ले, मुझे मेरा ख्याल नहीं है कि उनको भी ये बंदा स्पॉट हुआ है, कमरान भाई स्पॉट नहीं हुए उनको और आई थिंक टीबी को भी नहीं यहाँ पे कमरान भाई साइड पे। फुल सांप वाली मौली इधर फाइट हो गई थी राइट साइड पे, दो बंदे ना हो गए आई थिंक सो। ये इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप देखें, उन्होंने एक बंदा अपना जोन में मूव कर दिया और एक बंदा सिर्फ पूरी टीम को वहां पे होल्ड करके बैठा हुआ है, दैट्स द स्पिरिट ऑफ अ स्पोर्ट। क्या भाई स्ट्रेटजी खेल रहे हैं भाई मौली, वेल प्लेड भाई। बिल्कुल ऐसा ही, और बात करूँ सी फोर की तो सी फोर भाई आहिस्ता आहिस्ता किल्स निकाले जा रही है, बियर्स की टीम को यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया गया है सी फोर की तरफ से एंड नाउ मौली इज मूविंग इन द सर्कल ताकि भी जल्दी से सर्कल में जोन का डैमेज किसी प्लेयर को भी नहीं चाहिए, वो जल्दी से जोन में ही जाएगा एंड नाउ सी फोर के पास एक अच्छा एडवांटेज है, अगर मौली को यहाँ पे स्पोर्ट कर लेते हैं या जी बी को स्पोर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे भाई धड़ाधड़ किल सी फोर के भाई खाते में लिखी जाएंगी। बाबा जी की अगर बात करूँ तो बाबा जी की किल नहीं है एंड स्प्रे एक अच्छा खासा स्प्रे दिया बट यहाँ पर सी फोर का भी अहमद यहाँ पर नॉक हो चुका है और यहाँ साथ में बात करूँ मौली की तो मौली ने यहाँ पर भाई साथ ही सी फोर का दूसरा प्लेयर भी नॉक कर दिया है। नाउ बाबा जी इज दी ओनली सिंगल गाय लेफ्ट इन द टीम सी फोर और यहाँ पर मौली के भी दो प्लेयर्स नॉक हैं और आगे की तरफ बाजी एंड माल्टा यहाँ पर मूव करते हुए सी फोर क्या करता है यहाँ उधर कमरान भाई ने डस ली है पीछे, मैंने बताया था ना सांप का चक्कर माउस से टक्कर बहुत मुश्किल है भाई और मैं म्यूट करके बोल रहा था कमरान वो कौन सी टीम के सामने थी कमरान भाई ने उधर एक बंदा नॉक दिया था पीछे जोन से अंदर एंटर होते हुए और आई थिंक उनका एक को नॉक किया एंड द अनदर गाय किल द कमरान भाई बट दिस इज द गेम के अक्सर एक प्लेयर नॉक होता है दूसरा प्लेयर उसको कवर देने के लिए भी मौजूद होता है, जितनी देर रीलोड होता है रीलोड उतनी देर में बंदा भाई जा एक एक सेकंड की गेम का यहाँ पर काउंट होता है, एक एक सेकंड काउंट हो रहा होता है कि एक सेकंड पहले किसने रिएक्ट कर दी। यहाँ पे आप देखें तो सी फोर के पास बहुत अच्छी पोजीशन थी, सी फोर वाले ले सकते थे लेकिन मौली भाई क्या गेम खेल गए, अगर आपने देखा हो शायद तो मौली के दो प्लेयर जोन में नॉक हो चुके थे और एक बंदा ऑलमोस्ट 1 HP जोन में एंटर हुआ था लेकिन फिर भी लोंडे क्या खेले हैं भाई मौली, वेल प्लेड भी जीजी हो गया जी मौली एंड जीबी अगर बात करूं तो गेन यहां पर टॉप 3 में स्टैंड करते हुए टीम हमें जीबी हमें नजर आ रही है और सामने नीचे की साइड पे जो टीम है टीबी
और टीबी की अगर बात करूं तो टीबी अभी जिस पोजीशन में मौजूद है, सर्कल उन्हीं के पास मौजूद है, उनको सारी टीमों को टीबी की तरफ मूव करना है। और टीबी अगर एक अच्छा होल्ड पोजीशन यहाँ पर अगर बना लेती है, वो कहते हैं ना किला बना लेती है, तो उस किले तक पहुंचने के लिए भी बड़ा हैवी सीन हो जाता है। आर्यन ने यहाँ पे नॉक कर दिया जीबी का एक बॉय और यहाँ पर सर्कल क्लोज होना स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज 0-0 टाइम आउट हो चुका है। यहाँ पर सर्कल अभी क्लोज होगा। मौली ने फैसला कर लिया कि अभी जल्दी से सर्कल में मूव करना है। एक बॉय पहले से बग्गी लेके मूव कर चुका है। जीबी के पास यहाँ पर काफी चांसेस हैं कि वो जोन से डैमेज होकर नॉक होने वाले। जीबी को काफी टफ टाइम मिलेगा यहाँ पे, उनका आर्म पहले ही एक बंदा नॉक था लेकिन वो भी हिल लगाते हुए। देखते हैं जी जीबी टीबी और मौली। बिल्कुल अरे कैंडी जोन के अंदर मूव कर रहे हैं जी, और ये सारी ये कंटेनर्स फाइट होने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। बिल्कुल बैटमैन ऐसा ही कुछ करते हुए जी, बैटमैन के पास ही सर्कल है और कैंडी और बैटमैन बिल्कुल आमने सामने मौजूद है। नेड्स कराए जा रहे हैं पर यहां पर जीबी की नजरों में आ सकता है कैंडी। जीबी हाइट का एडवांटेज लेके सर मार सकते हैं कभी, पर इनको जल्दी फैसला करना है जो भी करना है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर हाई ग्राउंड की अगर बात करूं, जीबी यहां पर जो देख रही है नीचे वाली साइड पे टीम फोर बेसिकली जो यहां पर मौजूद है मौली, और वो एक अच्छी पोजीशन दोबारा से अपने लिए बना चुकी है। सर्कल यहां पर भी नया, अभी लेट्स सी कहां पे मूव हो चुका है। बिल्कुल अगर बात करें टीबी के पास सर्कल मूव हुआ, टीबी ने फौरन यहां पे सर्कल में गया। आर्यन को यहां पर नॉक करते हुए कैंडी, कैंडी ने यहां पर भाई मौके पे चौका मार दिया। एंड नाउ बैटमैन ओपी इज द ओनली गाय लेफ्ट हियर, और कैंडी को वहां पे सपोर्ट करें। जल्दी से आई थिंक आर्यन की कॉल होगी कि पहले रिवाइव कर दो, बट आर्यन की कॉल आई थिंक दिस इज द बैड कॉल। और अभी यहाँ पर मौली को इस चीज़ का एडवांटेज हुआ, एक प्लेयर को नॉक किया दूसरे प्लेयर को, साथ ही टीबी के भी नॉक फिनिश कंप्लीटेड। एंड यहाँ पर मौली की अगर बात करूँ, यहाँ पर मौली यहाँ पर नॉक किल्स अपने नाम कर चुका है। सामने टीम जीबी मौजूद है। अगर जीबी की किल्स काउंट की अगर बात करूँ तो जीबी यहाँ पर 5 किल्स कर चुका है। टॉप है दो टीमें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, टॉप 2 टीम्स। और मीरा मार्ग का मैप है, नेक्स्ट मैप होने वाला है हमारे पास यहाँ पे सैनोक, और सैनोक में जितनी अर्ली फाइट्स होती हैं तो भाई जान वो मैच भी देखने का मजा आता है। एंड नेक्स्ट मैच जैसे ही स्टार्ट होगा वी कैन शेयर विद यू गाइस ये कैसे चलता है यार ये सिस्टम यहाँ पर, कि हम आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर टूर्नामेंट की तरफ इस मैच को लेके जाएंगे हम। ये फ्रेंडली मैच है, अभी वेरी सून हम अनाउंस कर देंगे कि भी हाउ यू गाइस कैन ज्वाइन द टूर्नामेंट। सारे रूल्स एंड सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। और अभी फ़िलहाल जो है ये तकरीबन 3 मैचेस का एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है, और 3 मैचेस का ही रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर आई थिंक जो जीबी ने परफॉर्म किया है यहाँ पर हमारे पास, और वो भाई मैच आउटस्टैंडिंग मैच हमें परफॉर्म किया। हाँ ये आप कह सकते हैं एज अ वार्म अप मैचेस जो हो रहे हैं रमजान टूर्नामेंट के। मौली की और टीबी की फाइट में फायदा हुआ है तो जीबी की हुआ है, क्योंकि जीबी के पास पोजीशन ऐसी थी कि वो जोन में भी नहीं थे, उन लोगों को जोन के अंदर भी आना था, लेकिन उनकी फाइट का बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया जीबी वालों ने, उनको जोन के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन उन लोगों ने होल्ड की हुई है। अभी दो बंदे इनके ब्रोकन वॉल पे टीबी भी लेते हुए, एक बंदा आगे जैसे कि हर्षवर्धन बोला किले को दफा करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। नाउ जीबी का एक प्लेयर यहां पे डाउन है, एंड अभी आई थिंक यहां पे मौली चिकन लेके जा सकती है ऐसा फील मुझे हो रहा है। बट यहां पर जीबी की अगर बात करूं तो जीबी भी प्रॉपर कोशिश कर रही है अभी भी, पर एक और प्लेयर यहां पे डाउन होते हुए कैंडी यहां पे रश करना चाह रहा है। एंड लेट्स सी कि क्या क्या बनता है। ओ भाई साहब द ओनली वन गाय लेफ्ट जैसा कि आपने देखा जी मौली इसके साथ ही चिकन डिनर लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और माल्टा की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से आज के टूर्नामेंट की सबसे हाईएस्ट किल उठाते हुए मौली यहाँ पे माल्टा यहाँ पे 9 किल्स अपने नाम किए हैं इस बॉय ने। कैंडी ने 3 किल्स उठाई हैं, टोटल ये 12 किल्स करके चिकन डिनर कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत हाईएस्ट पॉइंट्स हैं कि भाई एक स्कोर बोर्ड को, स्कोर बोर्ड की अगर बात कीजिए ना, नीचे से एकदम टीम को उठा के ऊपर ले आती है, तो ये ऐसा सीन होता है। अगर बात करूँ जीबी की तो दूसरे नंबर पे बड़ा टफ टाइम देते हुए 4 किल्स निकाल के दूसरे नंबर पे टीम जीबी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। टीबी अपने नाम पर टीम को यहाँ पे तीसरे नंबर पे ले आई है। सी फोर फोर्थ प्लेस एंड अलीक इज ऑन द 5th।
यहाँ पर बियर की बात करूँ अपने अपने आप को यहाँ पर सिक्स प्लेस पे ले हैं, कोई किल नहीं की इन्होंने। पर यहाँ पर पीवीएस की बात करूँ सेवन प्लेस, एमईएस एट, रिडलर नाइन, बीटीएस टेन, बीएक्स इलेवन, यहाँ पर मनान की टीम यहाँ पर ट्वेल्व, इश्तियारी बॉयज 13 एंड बीएच 14 यहाँ पर आ चुके हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मैच, सनोक का मैच है भाई, सारों ने पार्टिसिपेट करना जल्दी से, जो टाइम बता दिया होता है ना काइंडली उस टाइम में जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मैच ऑफ सनोक, टिल देन पानी चल गया यार, प्यास लग गई मुझे भी। आ जाए आ जाए आ जाए। There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to cross. Mad, I swear they're rooting hard. Tell them I be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out so don't be mad. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting.
Insta. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Hard. Tell them I be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Too far, get to class.
shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. They're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Yeah, shoot, 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 shoot.
Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to. Welcome back, guys. ये आज के हमारे टूर्नामेंट का लास्ट और आखिर मैच है, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको हम डिटेल्स भेज देंगे, तो काइंडली रजिस्टर कीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द स्ट्रीम. आरस भाई बहुत थैंक यू आप मार्केट को अपग्रेड करने के लिए. और जैसा कि देख सकते हैं प्लेन पाथ मोस्टली यही प्लेन पाथ बनता है और बूट कैंप मोस्ट फेवरेट मोस्ट टीम बीएच वो तो जाएगी इधर. आई नो दैट. अब देखते हैं जी क्या होता है. मोस्टली टीम्स सैन ऑफ में आरस भी अब नोट करें तो लेफ्ट साइड पर जाने की कोशिश करते हैं. ये बान लकावी चेरी के ये इनके मोस्ट फेवरेट लैंडिंग स्पॉट्स हैं. दूसरी ये आप देखें अगर कैंप अल्फा बिल्कुल खाली है ना, टैम्पंग खाली है, सामी पे कोई ज्यादा पसंद नहीं कर रहा, मोस्टली टीम राइट साइड पे रहने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही. और अगर बात करूं यहाँ पर बीटीएस की तो पैराडाइज में यहाँ पर मुझे तीन टीमें देखने को मिल रही हैं. बीटीएस बीटीएस के साथ इश्तियारी बॉयज भी यहाँ पर पैराडाइज आ चुके हैं. एंड यहाँ पर एओपी मनान की टीम यहाँ पर मौजूद है. और यहाँ पर तीन टीमें और भाई सारी की सारी टीमें अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम है. और जब मुझे बड़ा दुख होता है कि जब अर्ली फाइट अच्छी टीमों की हो जाए ना स्टार्ट में, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार कि ये एंड में ना बहुत तबाही किस्म का परफॉर्म कर सकते हैं. बट स्टार्ट में फाइट लेके अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है. एक मतलब कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर भी अगर नॉक फिनिश कम्प्लीट हो जाए, आई जी एल नॉक फिनिश कम्प्लीट हो जाए,
तो अब तो IGL को वो नई अपडेट में आपको पता है सामने दूसरे प्लेयर की कुछ भी सीन नजर नहीं आ रहा होता, सामने एनिमी भी नजर नहीं आ रहा होता अंटिल वो फायर, बिल्कुल जी स्पेक्टेटर के लिए चल जाता है। एंड नाउ यहां पर एओपी की सबसे पहले यहां पर इश्तियारी वॉइस के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी है एंड काफी ओ भाई साहब यहाँ पर जट साहब ने पहला बॉय यहाँ पे नॉक किया मनान भाई, मनान इज नॉक्ड हियर और यहाँ पर भी अभी टीम एओपी के ऊपर काफी जो है ना तगड़ा सीन हो चुका है आउट मजनू यहाँ पर डाउन हो चुके हैं बैक साइड पे एंड बीटीएस जल्दी से अपने बॉय को रिवाइव करेगी एंड यहाँ पर जट साहब चार्ज करते हुए के ऊपर बॉटर लेकिन अब देखें टीम BTS टोटल सैंडविच हो चुकी थी, टीम BTS का एक बॉय उधर जो है ना BTS के पास फंस से कुछ फंस चुका था और AOP के साथ ये कंफर्म करते हुए मनान भाई की पूरी टीम लास्ट मैच में बहुत अच्छी फाइट हुई थी मनान भाई की लेकिन अब भी जो है ये आउट होते हुए इश्तियारी वाइट इश्तियारी जट इश्तियारी यूजीन इश्तियारी राजा बहुत अच्छी गेम खेले थी फील्ड में देखा भाई दोनों ओल्ड प्लेयर्स बसेर ने यहां पर भी रिडलर के बॉय जोल्टन को यहाँ पर नॉक फिनिश दिया है यहाँ पर एंड लेट्स सी कि क्या बनता है नेक्स्ट। यहाँ पर जट साहब आगे की तरफ मूव करते हुए यहाँ पर BTS बिल्कुल सामने की तरफ मौजूद, पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो से तीन टीम्स आराम से जो है ना लैंड करके लूट कर सकती है, सैंडबॉक्स में लूट की टेंशन नहीं होती इसलिए लोग जो है ना हॉटस्पॉट करना हॉट ड्रॉप करना ना प्रेफर करते हैं। आप देखते हैं जी बहुत अच्छी पोजीशन BTS देख सकते हैं BTS का एक नॉक करके कंफर्म किया YT ने, YT अब देख रहे हैं कंटिन्यूअसली DBS यूज करते हुए लगता है इनको DBS को ज्यादा ही पसंद आ गया और उजी जो है वो चेज करते हुए BTS में बहुत जबरदस्त सबका कवर और इसी के साथ एक राजा को फौरन से नॉक कर दिया था बट उजी उसके बैक साइड पे आ रहा था जोनी यहां पर आते हुए YT बिल्कुल सामने उसके एंड लेट्स सी यहां पर जोनी का वेरी बैड थिंग इन दिस गेम। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार काश ये रीलोड वाला सिस्टम नहीं होता बस कंटिन्यू फायर होता होता बट ये रीलोड इज द थिंग जो भी सामने वाले प्लेयर को भाई थोड़ा सा डाउन दे देती है, एक एक सेकंड काउंट करता है इस गेम में कि एक सेकंड पहले किस प्लेयर ने यहाँ पर रिएक्ट कर दिया। पर यहाँ पर अगर बात करूँ द ओनली वन गाय द सोलो गाय इज हियर भाई, लेट्स सी कि यहाँ पर ये जट साहब की टीम को यहाँ पर नॉक फिनिश कम्प्लीट देता है, ही इज़ द ओनली गाय भाई यहाँ पर जहाँ पर खेल रहा है दी मैथ्स एक्चुअली। यहाँ पर लेट्स सी कि यहाँ पर मे बी इश्तियारी का एक प्लेयर डॉग फिनिश कंप्लीट कर दे जी बिल्कुल, ये यहाँ पे इसी वजह से खड़ा हुआ है कोई इसको मौका मिले और ये अपने नाम पे एक किल खोए क्योंकि पोजीशन होल्ड करके आप इतने नहीं कर सकते पॉइंट्स नहीं बना सकते जितने आप किल से बना सकते, तो ये कोई यही कोशिश करेगा किसी पे थर्ड पार्टी करके किसी की किल चुरा ले या फिर ओपन में किसी को नॉक करके, लेकिन ये 1v1 फाइट से जो ना बहुत क्या अवॉइड करेगा 1v1 फाइट। देखते हैं जी BH आप दे सकते हैं अब दो नाम अपने दो किल अपने नाम करते हुए बिल्कुल ऐसा ही एंड इश्तियारी बॉयज ने भी मेरे ख्याल से लास्ट बॉय को भी नॉक फिनिश कंप्लीट दे दिया यहां पर। बट यहां पर SDY की अगर बात करूं दीस बॉयज प्ले PMCO, ये PMCO खेलते हैं खेल के आए हुए ये टीम और ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है एंड यहाँ पर इनका एक प्लेयर यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुका है। सामने जो टीम मौजूद है दैट इज़ C4 और C4 ने भाई पिछले दो मैचेस में जो परफॉर्मेंस दिखाई है तो भाई वो एक वो कहते हैं तगड़ी टीमों में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिए तो वो C4 का वो वाला सीन है जी यार C4 के पास पिछले दोनों मैचेस में बहुत अच्छी पोजीशन थी गेम भी इनकी बहुत अच्छी लेकिन इन लोगों के रोटेशन में ये लोग मारेंगे लेकिन अब देख सकते हैं रैंगल में C4 एंड पे जोनी बॉय अकेला बचा था बहुत अच्छा उसने जो अपने टीम के लिए पोजीशन निकाली। अब देखते हैं जी C4 वर्सेस SDY बहुत अच्छी फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पर आई थिंक ये लॉन्ग डिस्टेंस फाइट जो होती है काफी स्लोली चलती है लेट्स गो एंड यहाँ पर बाकी टीम्स की तरफ भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर MES की अगर बात करूँ MES के काफ़ी प्लेयर सेपरेट लोकेशन में मौजूद हैं लूट के में भी मसरूफ एंड वी कैन सी यहाँ पर ओवरऑल टीम्स देखते हैं। BS की अगर बात करूँ तो शेर खान इज हेयर मसेर ने और यहाँ पर ICV ने
एक एक किल निकाला बट यहाँ पर BH अपने नाम दो किल्स करके यहाँ पे बैठी हुई है और ये टीम भी प्रॉपर मतलब कम्पिटेटिव खेल रही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कम्पिटेटिव वर्ल्ड में। तो अगर बात करूँ मसेर की तो मसेर भाई वो ऑन एंड ऑफ खेलता रहता है बिकॉज उसका काम ही ऐसा है और वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है मसेर जी का एंड बहुत मेहनत करते हैं जी। अगर आपने इस्लामाबाद में आए हैं और आपने नुक्कर पे टुक्कर का नाम सुना है ना तो आप ज़रूर ट्राई करें। नुक्कर पे टुक्कर इज़ द बेस्ट प्लेस इन इस्लामाबाद भाई, अच्छी खासी सब्जी मिलती है उधर विद फ्लेवर सब्जी, वो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले। चले जी इंशाल्लाह जब इस्लाम बताए तो जरूर विजिट करें आपको जरूर। और यहाँ पर जट साहब अलीट की फाइट, यहाँ पर जट वर्सेस अलीट हो चुका है, वाइट यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुका है। लीड जो है ना बहुत ही, आप देखें लीड के काम ना नोक पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे इजीली रिवाइव हो सकते हैं क्योंकि वो कवर में भी हैं और फाइट भी लॉन्ग डिस्टेंस है लेकिन जट साहब पूरी कोशिश करेंगे लीड कामरान को कंफर्म करने की। देखते हैं जी जट साहब फुल टीपी भी लेते हैं बिल्कुल, लेकिन आप देख सकते हैं दो बंदे एक साइड से कर रहे हैं और उजी बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे उजी विदाउट स्पोर्टिंग बंदे को देखें जी बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा उजी का फ्लैंक यहाँ पे बहुत मैटर कर सकता है। उजी ने निंजा ओपी को नॉक करते हैं और उजी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, अकेला बंदा बचा है एलीट का। अब देखते हैं जी एलीट 1v4 की 1v3 की सिचुएशन है, देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे राजा ने कंप्लीट कर दिया अपनी किल को, यहाँ पर कंफर्म करते हुए टीम इश्तियारी भाई काफी देर बाद फॉर्म में आते हुए नजर आ रही है यहाँ पर अमित, यहाँ पर जट को काफी स्प्रे पड़ा, जट साहब यहाँ पे नॉक होते हुए एंड यहाँ पर फिनिश करने की पूरी कोशिश एंड यहाँ पे जट साहब को यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया। उजी ने यहाँ पर आके जट साहब का बदला लिया है विद थॉन्स पर, उजी ने यहाँ पर भी नाम जो है ना SMG उजी रखा हुआ है बट SMG यहाँ पे थॉम्सन चला के बदला लिया। जी टीम इश्तियारी आप देख सकते हैं पहले दो मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन इस मैच में उन लोगों ने थाना में भाई हम भी यहाँ पे कुछ करके दिखाएंगे। टीम MES और टीम GB को आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हिल लेते हुए और यहाँ पे अब आप हर से आपने अगर नोट किया तो सैनो के कैसा मैप है जहाँ लोग जो है ना व्हीकल्स को अवॉइड करते हैं लेकिन अगर स्कूटर यहाँ पे मोटरसाइकिल मिलते तो लोग उसको प्रेफर करते हैं बिकॉज दे आर इजी टू मूव इन दिस सैनो। बट अगर आप वैसे देखें तो सैनोक में कवर बहुत ज्यादा है तो इसमें व्हीकल्स का इस्तेमाल इसी वजह से कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है बिकॉज हर थोड़ी से थोड़ी ना मीटर्स के बाद यू गाइज कैन से दैट कि स्टोन मौजूद है, यू गाइज गेट ए बेटर कवर, बेटर रिच कवर्स। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए भी ओवरऑल व्यू की तो यहाँ पर भी व्यू भी सैनोक का बड़ा अच्छा सा है। और अगर बात करूँ अभी GB की तो GB के पास अच्छी खासी लूट हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली सेंटर ऑफ द सर्कल है SDY यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुकी है C4 के हाथों बट C4 का एक प्लेयर बच गया यहाँ पर अहमद एंड दीज गाइज गेट SDY's 4 किल्स। अहमद OP भाई क्या बात है, GG हो गया। एंड अगर बात करूँ अभी बाकी प्लेयर्स की, अगर बात करूँ आमिश भाई टीम GB भाई टीम GB इज इन द सेंटर ऑफ द मैप और लेट्स सी अगर आमिश की बात करूँ एंड महराज गेमिंग, अरे क्या बात है भाई GG हो गया भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड बाकी बात करूँ BX की, BX इज हियर, BX भाई अनएक्सपेक्टेडली मैं बात वही करूँगा कि हाइस्ट जो है ना भाई जन तो भाई गेम प्ले बट अभी जो टीमें टोटल रहती हैं 7 टीमें और 21 प्लेयर्स ऑन दिस मैप ठीक है। और यहाँ पर BH भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इश्तियारी के 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, यहाँ पर C4 का 1 प्लेयर मौजूद है, BX के 4 प्लेयर्स जो कि बाकी टीमों के लिए काफ़ी ख़तरा नज़र आ सकते हैं, GB के 4 प्लेयर्स ये भी बहुत खतरा है सारी टीमों के लिए एंड MES ऑफ कोर्स भाई ये बॉयज इस मैप में भाई कितना खामोशी से खेल रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना दाल में कुछ काला है अली, क्या कहते हैं। बिल्कुल जी हर्ष भाई बिल्कुल आप ऐसे करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया था BH की लैंडिंग स्पोर्ट ही बूट कैंप है और बूट कैंप को बहुत अच्छा डिफेंड करना उन लोगों को आता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस वक्त BH को बूट कैंप से निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब देखते हैं जी MES वाले यहाँ से जो है ना जोन के सेंटर में मूव करते हुए MES वाले अवॉइड करते हैं अर्ली फाइट्स को लेकिन जब इनके सामने कुछ आ जाए
तो ये फिर पीछे नहीं उठते, ये भी कहते हैं भाई हम भी यहाँ पे खेलने आए हुए। बिल्कुल ऐसे सी यू यहाँ पर जो मौजूद है भाई, लास्ट टाइम भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। साइड से जो प्लेयर को निकाला है वो बहुत प्लेयर की एक गलती कि वो बहुत ओपन में बैठा हुआ था, बट यहाँ पर मजिशंस की अगर बात करूँ, मजिशंस स्किल्स बहुत मज़े मज़े की निकाल रही होती है। और साथ ही यार शिफ्ट लेते हैं एक, यहाँ पर देखते हैं बूट कैम्प अगेन यहाँ पर सर्कल में आते हुए, नया जो सर्कल बना है अगेन से बूट कैम्प के पास आ चुका है, और बूट कैम्प अगेन इन द सर्कल यहाँ पर एंड टॉप ऑफ द हिल यहाँ पर इन्होंने बीएच को देख लिया है। एंड टोक्यो काफ़ी बुरे स्ट्रैक्ट हो चुकी है, काफ़ी डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एचपी यहाँ पर जा चुकी है वो, एंड कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर बीएच इतने लॉन्ग डिस्टेंस से यहाँ पर बीएच से कैसे फाइट लेगी, मोस्ट प्रोबली एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक अच्छे स्कोप्स इनके पास मौजूद होने चाहिए बीएच के पास। बिल्कुल जबरदस्त, लेकिन आप देख सकते हैं उनके पास जोन की बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर जोन बी इनकी टीम बीएच की तरफ शिफ्ट करता है तो टीम हाइस के लिए यहाँ पे इनके बीएक्स के लिए बहुत यहाँ पे इशू बनेंगे, क्योंकि बीएच वाले फिर इनको जोन में आने नहीं देंगे, उन्होंने बोलेगा भाई तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। बिल्कुल, ये छुट्टी वाला जो सीन है ना, ये आजकल हर टीम दूसरी टीम को छुट्टी करा रही है। और भाई बिल्कुल इतना आउटस्टैंडिंग गेम प्ले, और भाई वो फिर जब लेवल्स की बात आ जाती है ना, तो वो फिर प्लेयर ये भी बोल देता है कि तू मेरा लेवल दे दिए भाई बिल्कुल। अब देख सकते टोक्यो यहाँ पे एक लोग निकाला, टोक्यो ने भाई टोक्यो एम के चलाते हैं भाई सिक्स पे भाई। टोक्यो टोक्यो से ना कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मतलब इसकी गेम मतलब कि भी मैंने जो गेम खेलते हुए देखा है, टोक्यो की गेम बहुत आउटस्टैंडिंग गेम है, और हमेशा इस बंदी ने मुझे अमेज ही किया है बाय गेम प्ले, और ये बहुत अच्छा गेम प्ले है इसका। अरे भी अब देखें तो एमईएस वाले यहाँ पे थर्ड पार्टी करने लिए पहुंच गए, टीम बीएक्स इस वक्त सैंडविच हो चुकी है बहुत बुरी। लेकिन यहाँ पे फायदा अगर आप देखें तो फायदा जो है ना मेन जो उठा रही है वो टीम एमईएस ही उठा रही है। अभी यहाँ पे अगर ये लोग पुश दे इन पे तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इनके दो बॉयज जो है वो इनसे बहुत सेपरेटेड है, और पीछे से बीएच इनको बहुत टफ टाइम दे रही है, पूरे स्प्रे देगी वो, खूब भी कोशिश करिए कोई नॉक करके कंफर्म करे। एमईएस वाले एक ही वेयर हाउस पकड़ के बैठे हुए हैं, देखे जी अब क्या करते हैं, और ऊपर से बीएक्स वाइपर जो है वो फुल टीपी भी ले रहे हैं इनके ऊपर। बिल्कुल जी जी जी, जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल जी, यहाँ पर दो प्लेयर यहाँ पर बीएक्स के डाउन हो चुके हैं, एंड यू गाइस कैन सी मैजिशियंस का भी एक प्लेयर यहाँ पर सीयू डाउन हो चुका है, बट बीएच कंटिन्यू आपने देखा पूरा बैक साइड से प्रॉपर फायर्स आ रहे हैं बीएच की तरफ से, बीएच ने काफी टफ टाइम दिया दोनों टीमों को। बिल्कुल जी, यहाँ पे आप ये देखें ये हर्ष भाई इनकी सबसे बड़ी गलती है, जब भी आपकी स्क्वाड फाइट हो रही है तो आप अपने बंदे को कभी रिवाइव कोशिश करने के लिए, लेकिन अब देखें अब उसी वजह से हारस भी कंफर्म हो रहा है और शेख भी कंफर्म हो रहा है, लेकिन वहां पे इनके पास बेनिफिट है। ये देखें मैंने को वही बप को बात बोली, अगर वहां पे ये इनका एमसीयू वहां पे रश करता ना तो इजीली बीएक्स को ओवरकम कर सकते हैं। बीएक्स ने ना सिर्फ अपने टीममेट्स को बचा लिया और वहां पे इनने अपने नाम पे तीन किल भी किए चार बल के पूरे, एमईएस पूरा स्क्वाड यहां पे वाइप होते हुए, C4 का अकेला वाइप पीछे से आ रहा है, देखते हैं जी वो क्या करता है, लेकिन बीएच इनको बहुत टफ टाइम देगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था आरएस भाई जोन शिफ्ट हो चुका है, अब बीएक्स के लिए जोन में मूव करना बीएच फुल इनको जो है ना हार्ड टाइम देगी, देखते हैं जी क्या बनता है यहां पे। बेसिकली बीएच स्टैंड फॉर बाउंटी हंटर, और वो भाई प्रॉपर हंट करते हैं किल्स को, और अगर बात करूं सामने बीएक्स की तो बीएक्स भी किसी टीम से उन्होंने भी पिछले जो मैचेस में परफॉर्म किया है तो भाई बीएक्स ने एक वो कहते हैं ना एक अपना नाम का बता दिया कि भाई हम भी हैं इस मैप पे, तो भाई इतना इजी नहीं है कि गेम प्ले आप इतना इजी से इजीली आप चिकन ले जाएं, पर यहाँ पर बीएक्स की तरफ से काफ़ी हार्ड वर्क रहा, काफ़ी अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें। C4 जो कि यहाँ पर बिल्कुल एज टू एज चल रहे हैं बिकॉज ही इज़ द ओनली वन गाय लेफ्ट, एंड नाउ यहाँ पर अगर बीएक्स की बात करूँ बीएक्स जी बिल्कुल आपकी बात में बीएच, मैंने आपको जैसे कि बोला था जोन शिफ्ट हो चुका है और एक साइड पे सी फोर दूसरी साइड पे बीएच, बीएक्स टोटल यहाँ पे
सैंडविच हो चुके हैं, देखते हैं जी जोन कैसे बना सकते हैं। अगर ये सी फोर वाली साइड पे तो इजीली जोन ले सकते हैं बिकॉज दे आर थ्री, लेकिन बी एस वहाँ पे उनको जोन में मूव करने देगी नहीं। एक ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जोन वॉल बनाए और जोन में आए, लेकिन आप देख सकते हैं बी एस शेर जो है वो फुल रश करते हुए, अब सी फोर भी यहाँ पे जो है ना खतरे में। वैसे एंड नाउ अभी K9 निकाल ली गई है एंड आई थिंक दिस इज नॉट ए गुड आइडिया इन दिस स्मोक K9। और भाई जल्दी से मूव करें C4 के लिए, अहमद के लिए एक अच्छा एडवांटेज था एंड अहमद जो है वो बड़ी तेजी से यहाँ से मूव कर चुके हैं, तो शेर यहाँ पर पहुँच चुके हैं बड़े तेजी से आगे की तरफ। हाइस के ऊपर नजर, हाइस के पत्ते वो काफ़ी डैमेज पड़ा है यहाँ पर, काफ़ी भाई लो एच पी कर दिया है शेर ने यहाँ पर। एंड नाउ हाइस जल्दी से कवर में मूव करते हुए, बसेर ने काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर ली, बट यहाँ पर भाईजान क्या हो रहा है भाई, इश्तियारी राजा ने यहाँ पर हाइस को यहाँ पर नॉक कर दी, एक मेन प्लेयर बीएक्स का यहाँ पर नॉक हो चुका भाई। इश्तियारियों ने बोला थर्ड पार्टी का नाम है तो हम पीछे क्यों गए भाई, जीएम में नाटो भी जाते हैं। अनदर वन, राजा ने यहाँ पर दो प्लेयर बीएक्स के नॉक कर दिए, बट यहाँ पर आई थिंक बसेर यहाँ पर किल एडवांटेज निकाल रहे हैं कि किल उठा ली जाए बीएक्स की। हर्ष भी अगर आपने देखा हो तो टोक्यो कंफर्म हो चुकी है, C4 ने बहुत अच्छा फायदा उठा के टोक्यो को कंफर्म कर दिया है। बिल्कुल ऐसे आई थिंक शी इज कमिंग ऑन ओपन एंड C4 ने बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया इस बात का। वो बंदा चाहता ही है कि भाई जब इस टाइम मुझे कोई भी मिले मैंने घर में बंद हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी फुल कोशिश कर रहे हैं ये स्पॉट करने की और बिल्कुल वो स्पॉट कर चुके हैं, देखते हैं जी वो ही बात हुई जी। जैसे C4 अहमद भाई क्या जीजी गेम खेल रहे हैं जी, पहले SDY वालों से किल निकाल के लाया और यहाँ पे BX से इन्होंने किल करके और BX टोक्यो को भी जो है ना कंफर्म करते हुए, BX जो है जोन में मूव करते हुए, लेकिन C4 को अब जो है ना थोड़ा कॉन्शियस होके खेलना पड़ेगा क्योंकि BX जो है ना अपनी टोक्यो का बदला उनसे जरूर लेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पर जो आज के जो मैचेस का जो रिजल्ट होगा वो हम अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देंगे एंड वी शेयर इन द ग्रुप एज वेल एंड यूट्यूब कम्युनिटी टैब में भी शेयर कर देंगे, एंड ताकि भाई जितने भी प्लेयर्स हमें मतलब कि भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता चलना चाहिए कि भाई किस टीम ने कितना स्कोर किया है। और भाई वो कहते हैं ना इलाके में हम नए आए हैं तो भाई नाम तो गूंजना चाहिए, वो वाला सीन है। बिल्कुल जी बिल्कुल, 5 टीम्स अलाइव हैं, 11 प्लेयर्स हैं, देखते हैं जी पीएच मसेर यहाँ पे बूस्ट करते हुए उसको, और C4 बहुत अच्छी पोजीशन अपने लिए होल्ड करके, लेकिन उनको जोन में मूव कर चुके हैं, लेकिन उनके बिल्कुल लेफ्ट पे इश्तियारी मौजूद है, देखते हैं जी C4 यहाँ पे इश्तियारियों के साथ सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। मैं काफी देर बाद इस मतलब वेरोनिका पे आ रहा हूँ PBS पे भाई, ये काफी देर से होल्ड करके अपनी पोजीशन हो पे होल्ड कर रही है, टॉप 4 में आ चुकी है ये। और भी आपने देखा हो तो C4 यहाँ से वाइप आउट हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, इश्तियारी उजी को C4 अहमद ने नॉक किया, जबकि इश्तियारी राजा का बहुत अच्छा कवर और C4 अहमद एलिमिनेट होते हुए। हमारे पास 4 टीम्स बची हैं और 10 प्लेयर्स हैं, देखते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही, एंड यहाँ पर जो टीम मौजूद है GB, और GB भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आहिस्ता आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो आतंक एक ऐसा खतरा है DS के लिए और टीम इश्तियारी के लिए। मैं कहता हूँ कि भाई ये बंदा अनएक्सपेक्टेडली स्प्रे करता है और इसके स्प्रे जो होते हैं ना वो मतलब कहते हैं कैरी, बंदे को कैरी बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। अर्थ भी आपने देखा हो तो जोन जो है ना बहुत ज्यादा GB की तरफ उनके हक में आता हुआ है, अब सब टीम्स को जोन में मूव करते हैं, वी ऑलरेडी दे आर इन जोन। बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हैं जीबी के IGL की एक अच्छी प्रेडिक्शन हो सकती है कि उसने अपनी टीम को यहाँ पर मूव करने के लिए बोला है कि यहाँ पर इस साइड से मूव करो और वी आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ पर जाके भाई अपनी एक हाई रिज को होल्ड कर लिया, यहाँ पर BH जो है GB की तरफ मूव करते हुए बिल्कुल सामने यहाँ पर मुझे खान ने यहाँ पे डॉक नॉक किया भाई, क्या बात। नाउ 2 प्लेयर्स नॉक है GB के, खान कंफर्म करना चाह रहे हैं किल्स को, बट लेट्स सी क्या बनता है। उसके साथ ही ये कंफर्म होते हुए GB के 3 प्लेयर पीछे मूव करते थे, एक अकेला वहां पे पूरी BH की टीम को होल्ड करके बैठा हुआ था, अब GB वहां पे किल निकाल के जी BH के ICV को नॉक करते हुए GB यहाँ पे दोनों टीमें कोशिश करती हैं अपना पांव जमाए, देखते हैं जी यहाँ पे BH और GB कौन कर रहे हैं, यहाँ पे रिवाइव नहीं दे सकते बिकॉज बहुत पीछे हैं, अब देखते हैं जी आतंक
जैसा कि आरस मैंने बताया अपना आतंक वाकई मचाते हैं, देखते हैं जी यहाँ पे कैसे ये 1v2 यहाँ पे करेंगे या अपनी टीम को पीछे से कवर देंगे। राजा वहां पे नोक पड़ा हुआ है, आप देखें तो उजी पीछे से आते हुए, अब देखते हैं जी। ओ देखें जी, जैसा कि मैंने बोला उजी पीछे, उजी ने टीम जीपी, ये जो उजी का नोक है ये बेनिफिट दे रही है टीम बीएच को, टीम बीएच का ऑलरेडी एक प्लेयर नोक था। ये देखें जी, मैंने बोला बीएच खान भाई क्या लेवल की गेम खेलता है, बिल्कुल खान ने जी क्या जबरदस्त दो प्लेज जीबी के यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिए हैं, और आई थिंक आतिंक को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एडवांटेज इश्तियारी भी लेके जा सकती है। बिल्कुल जी आपकी बात बिल्कुल, आप देख सकते हैं टीम जीबी का आई थिंक एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है और इश्तियारियों के पास कवर अच्छा है। अब देखते हैं जी क्या करते हैं कि आतंक, अब आई थिंक यहाँ पे आतंक का किल जो है चोरी होने के ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे उजी डाउन हो चुके हैं, बीएच बड़े कॉन्फिडेंटली आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, मसेर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर टीम जीबी के साथ क्या सीन बनेगा कि कोई पता नहीं। आतंक यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं अनएक्सपेक्टेडली, यू गाइस कैन सी दैट कि आतंक यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं, एंड जीबी अगेन गेट ए होल्ड ऑफ थ्री प्लेयर्स ऑन दिस स्टैंड ऑफ। आप देखें यहाँ पे एक अच्छा नेट पूरी जीबी की लाइनअप को वाइड कर सकते, बिल्कुल अच्छा नेट, बिल्कुल ऐसा ही, और यहाँ पर उनको थोड़ा सेपरेट होने का मौका भी नहीं मिल सकता ना, जैसे ही वो मूव करेंगे इस साइड से तो तब भी उनका प्लेयर डाउन ही होगा, एज आई टोल्ड यू। एंड यहाँ पर बीएच वर्सेस इश्तियारी रह चुके हैं, यहाँ पर दो टीमें उजी रश करने जा रहे हैं, और यहाँ पर साथ साथ खान ने डाउन कर दिया बीएच यहाँ पे चिकन लेके जाते हुए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इश्तियारी बॉयज यहाँ पे चिकन ले जाएंगे, बट बीएच सेड कि नहीं भाई ये चिकन तो आज हम खा के जाएंगे, और आई थिंक इन्होंने अफ्तारी में अली भाई कुछ नहीं खाया, इन्होंने आज चिकन खाया यहाँ। जी जी भाई जी जी आप देख सकते हैं आरस भाई दोनों टीम्स ने किल देखिए अब कितने निकाले हुए हैं। अब टीम बीएच की बात करें, चार बीएच मसेर के हैं, टोक्यो के एक किल है, खान के चार किल है, आईसीवी के एक किल है। आप देखें 10 किल्स के साथ चिकन डिनर, जैसा कि आपने लास्ट मैच में बोला था मोली, ये 10 किल बीएच टीम को, अगर ये इनकी पोजीशन बहुत लो है तो ये इनके लिए बहुत मैटर करता है, ये स्कोर कार्ड में बहुत अप लेके जाते हैं ऐसे मैचेस। टीम इश्तियारी देखें आप भाई 7, 3, 10, 2, 12 और 13 किल के साथ, क्या बात है भी? जी जी टीम इश्तियारी तीसरे नंबर पे, हमारे पास टीम जीबी है 2 किल के साथ, दो मैचेस में जी पीछे इश्तियारी ने परफॉर्म किया है नाउ भाई सारे का सारा गुस्सा आके उन्होंने सैनोक पे उतार दी। बिल्कुल जी बिल्कुल, एंड वैसे बिल्कुल सेम बात अगर मैं हर्ष पर अवेल करूँ तो टीम का आईजीएल अगर नॉक हो जाए तो फिर टीम के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इनका आईजीएल इश्तियारी का मे भी ये इनका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आईजीएल इश्तियारी जट साहब पहले ही नॉक कंफर्म कर चुके थे एलीट वाले। आप देखें जी टीम जीबी जो है वो 2 किल के साथ तीसरे नंबर पे आई है, टीम 4 पे है टीएसएक्स पीबीएस विरोनिका 0 किल के साथ, टीम नंबर 5 पे आई है C4 वाले भाई, C4 अहमद भाई क्या लेवल का खेला है बंदे तो। बिल्कुल ऐसे ही जी आरएस भाई कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अगर बात करें पोजीशंस की, यहाँ पर बीएच आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, तो बीएच कांग्रेचुलेशंस, और भाई लास्ट मैच ये बॉयज आए हैं, और भाई लास्ट मैच पे सेकंड मैच मीरावर में इन्होंने भाई ज्वाइन इन किया था, बट स्टार्ट में इन अर्ली फाइट में मजिशियंस के साथ इनके भाई नॉक फिनिश मिल गया, बट सैनोक में आते ही इन्होंने बता दिया कि बीएच का सैनोक मैप है भाईजान। मसेर अनएक्सपेक्टेडली, मैं इस बॉय को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये बॉय पता नहीं कैसे परफॉर्म कर गया, ये बॉय बिल्कुल नहीं खेलता, आज आया अरसे बाद मैंने इसको देखा है यहाँ पर किसी रूम में, एंड ही परफॉर्म वेरी वेल, एंड भाई ही टेल ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन के भाई गेम है मसेर की, मसेर ऑफ है गेम से पर गेम ऑन है मसेर की। 4 किल्स मसेर की यहाँ पर, टोक्यो ने 1 किल निकाला, खान ने 4, एंड आईसीवी ने 1 किल निकाला, अच्छा परफॉर्म किया बीएच ने पहली पोजीशन। इश्तियारी उजी की बात करूँ, क्या प्यारी प्यारी किल्स निकाली है इस बंदे ने, 7 किल्स अपने नाम करते हुए, जड साहब 3, राजा 2, एंड वाईटी ने 1 किल निकाला। सेकंड प्लेस पे आते हुए टीम इश्तियारी यहाँ पर, और यहाँ पर जीबी की अगर बात करूँ, जीबी ने इस मैच में मतलब के भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम टीम जीबी, पर जीबी ने यहाँ पर 2 किल्स करके अपनी पोजीशन को यहाँ पर बरकरार रखा है, 3rd प्लेस पे आई है ये टीम। एंड यहाँ पर अगर पीवीएस की बात करूँ, 4 है C4 यहाँ पर आ चुकी है, 5th बीएक्स भाई, ये इस टीम ने भी मुझे सैनोक में जो है ना हैरान और परेशान कर दिए, बट दीज गाइज प्लेड वेरी वेल। बीएक्स ऑन द 6th प्लेस, MES 7, STY 8, Elite 9, TG 10,
BTS 11, BL 12 या फिर Riddles 13, AOP 14। तो भाई ये था आज के मैचेस का रिजल्ट। मैं स्कोर बोर्ड जो है जल्दी से बना के आई विल शेयर विद यू गाइज। और बाकी जो है ना क्या सीन करते हैं, अगर ओपन कस्टम रूम्स खेलने हैं तो आई कैन शेयर विद यू गाइज, बट दिस इज द प्रॉपर टूर्नामेंट। इसके बाद अगर क्या कहते हैं अली भाई, ओपन कस्टम रूम्स इसके बाद अभी देख लें टीम्स पड़ गया जी, कमेंट्स में बताएं सर। भाई बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आई थिंक लेट्स गो एंड द क्रिएट ओपन कस्टम रूम्स, ताकि भाई टीम्स आके शुगल मेला कर सके भी। ये ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन के लिए, हर एक के लिए। पर ये है कि जो टीम्स आएंगी उनकी स्लॉट को डिस्टर्ब नहीं करना। एरेंगल लगाते हैं, दिस इज द लास्ट मैच, पर टूर्नामेंट का लास्ट मैच सैनोक था। टूर्नामेंट एंड हो चुका है, एक ओपन कस्टम रूम बना ले। दिस इज द ओपन कस्टम रूम फॉर ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। जो भी चैट में मौजूद है वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। अभी मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ये अभी मैंने शेयर कर दिया आईडी एंड पासवर्ड विद यू गाइस, जल्दी से ज्वाइन इन हो जाओ। और शेयर ओके डन। पर अली भाई अब हम रिलैक्स करके बात कर सकते हैं, मतलब पहले बहुत प्रोफेशनल टॉक होगी ये, अब वी कैन हैव फन। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। गेम का मजा ही तब आता है जब आप प्रोफेशनल के साथ साथ फन भी करें। लेकिन अब वहां पे देखे तो भाई क्या लेवल के खेले हैं बंदे भाई। जी टीम बीएच इन द चैट गाइस, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड अगर बात करूं अभी टीम वीर भी इस मैच पे परफॉर्म करेगी, मतलब कि वो भी खेलने आ रहे हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी कि वो क्या यहाँ पर कैसी गेम प्ले होने वाली। जी टीम वीर टीएमसी खेल रहे हैं इस बार। बल्कि मैं इनको इनवाइट कर सकता हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ। टीम C4 आ चुकी है जी, C4 बाबा जी, C4 टाइकन बीएच मसेर साहब आ चुके हैं भाई। मसेर साहब ने क्या गेम किया भाई। ईटीआर जोनी आए हैं जी, वेलकम भाई। काइंडली गाइस स्ट्रीम को लाइक करते, शेयर करते और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। योर वन सब्सक्राइब मैटर अ लॉट फॉर अस। भाई साहब एंड नाउ आहिस्ता जो है ना काफ़ी टीम्स अब आना स्टार्ट हो जाएंगी, और क्योंकि मैंने ओपनली शेयर भी कर दिए। एंड नाउ लेट्स सी क्या बनता है, टीम्स आ रही हैं, आहिस्ता सारी टीम्स आएंगी। टीम एसटीवाई भी हमें ज्वाइन करते हुए जी, रीपर साकिब, बीएच गोरी, नहीं नहीं खेलें वो मैंने गलती से आपको कर दिया, किसी और को कर रहा था, मैंने मैसेज किसी और को कर दिया। नाउ वेयर इज जट साहब, जट साहब भी आ चुके हैं, आई थिंक रूम ज्वाइन कर चुके हैं। जट साहब की टीम भी आने वाली होगी,
एंड वी हैव लाइक 24 प्लेयर्स. अभी यहाँ पर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट प्लेयर्स आने वाले हैं, और यहाँ पर EXT भी आ चुका है यहाँ पर. लेट्स सी, लेट मी चेक, यहाँ पर कोई लॉर्ड भाई आए हुए हैं, यहाँ पर लॉर्ड को बुलाते हैं. एंड बाकी इश्तियारी वाईटी, जलाद भाई, स्टोनर भाई, BH खान भाई, जितों को मैं इनवाइट कर सकता हूँ उतनों को इनवाइट तो करूँ इधर. लेट्स वेरोनिका, बैटमैन, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या बनता है. अभी हमारे पास 31 प्लेयर्स हो चुके हैं. विद इन 9 मिनट्स हम मैच स्टार्ट कर देंगे. जल्दी से ज्वाइन इन कर लें. आईडी एंड पासवर्ड मैं चैट में पहले से दे चुका हूँ. एंड मंडे से टूर्नामेंट हम जो स्टार्ट करेंगे वो मंडे को होगा. डिटेल्स जो हैं वो अली भाई आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे. मैं इंस्टा पे स्टोरी वगैरह भी डाल दूंगा, बाकी सारा सीन हो जाएगा. एंड यू गाइज नीड टू ज्वाइन वो टूर्नामेंट, आप ज्वाइन करें और उसको शेयर करें विद योर मतलब डिफरेंट प्लेयर्स. जितनी टीम्स आएंगी वो उतना ही आपको भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टीमें परफॉर्म करती हैं और वो एक दूसरे को मतलब के भी कट ऑफ करके आगे जा रही होती हैं, वो आपकी गेम भी एक तो ग्रैंड हो रही होती है काफ़ी. आप अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता. इसी तरह बंदा आज इस टूर्नामेंट से, मे बी कल आप बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, प्रैक्टिस हो जाती है टूर्नामेंट्स खेल खेल के. आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी अच्छी आपको जो है ना गेम प्ले टूर्नामेंट से बन जाती है. छोटे छोटे से ही बंदा आगे जाता. आरस भी मैं भी आपका रूम ज्वाइन करना चाहूंगा इस दफा, तो इजाजत चाहता हूँ आपसे. बिल्कुल जाएं, यशी करें जी. मैं मेरे ख्याल से मुझे भी खेलना चाहिए, पर क्या करें. सर आप ऐसा करें, आप हमारी टीम में आ जाए. दे 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 दे, खेले खेले जाते हैं वो सारों ने जी जी डाल दे कि यार के हमारी बारी ओपन कस्टम रूम में भाग गए. अली भाई जाएं जाएं जाएं, यशी करें, गेम खेलें. ओके सर. ओके, तो भाई यहाँ पर हमारे पास बड़ी ही कम टीम्स अभी आई हैं, ज्वाइन इन हुई हैं, क्योंकि जितने ने मैचेस खेलने थे उन्होंने खेल लिए हैं. नाउ भाई आहिस्ता आहिस्ता वाला सीन है, तो लेट्स सी ये क्या बनता है. C4 आ चुकी है, वीर आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर, PVS यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास, एंड SDYs हेयर, GB वाले बॉयज़ दो आए हुए हैं, होपफुली और भी आ जाएंगे. एंड 37 प्लेयर्स ज्वाइन. भाई जल्दी से आ जाओ भाई. एंड नो, आहिस्ता आहिस्ता टीम्स जाना स्टार्ट कर देंगी, बिकॉज काफ़ी हैवी सीन हो गए यहाँ. आई विल बी बैक. मैं जा नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Sanok and start.
साइन ऑफ कर दिया एंड आई एम गोना स्टार्ट दिस वन. दो बंदों के पास नहीं था, आई एम सॉरी, एंड नाउ वी जस्ट स्टार्ट दिस वन ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो. वी जस्ट डू दिस फॉर फन. ऐसे शुगल में किया हमने. भाई ये है जो लॉबी जो हम दिखाते नहीं होते, क्योंकि इसमें आपस में लड़े होते एक दूसरे को. देखो बशेर भाई सबको गोलियां मार, मिलो तुम मुझे मैप पर, किसी को नहीं छोड़ूंगा. अवॉइड दिस लॉबी थिंग. और हम मतलब हमेशा मैच जो स्टार्ट करते हैं वो प्लेन से स्टार्ट करते हैं, और प्लेन से बात करें तो बीएच जो लास्ट सेकंड इधर की जीत थी वही उससे स्टार्ट कर रहे हैं. प्लेन पाथ अगेन से उसी टाइप का बना हुआ है, यू गाइस कैन सी दैट. और यहाँ पर बूट कैम आदि से ज़्यादा टीम जाएंगी, शुगल मेला यहाँ पर फूल रहेगा. और लेट्स सी क्या होता है. हे वी गो. अगर आपको स्ट्रीम में थोड़ा सा डिले आ रहा है तो एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर लें तो ये सारा सीन यस हो जाए. एंड नाउ बी एच इन द बूट कैंप. मशेर यहाँ से तेजी से भागते हुए सारी की सारी टीमें जो है ना बस अर्ली फाइट लेने के लिए दिस टाइम बूट कैंप आ चुकी हैं. जो साइड भी टीमें गई है बूट कैंप में, यहाँ पर बशेर ने आते ही शॉर्ट गन से यहाँ पर एस डी वाई के प्लेयर को यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट दिया है. नॉक किया नॉट द फिनिश, यहाँ पर फिनिश नहीं किया बट नॉक दे दिया. बट यहाँ पर एस डी वाई जो है ना इज इन द पैनिक सिचुएशन, क्योंकि बशेर यहाँ पर वापस जा रहे हैं. एंड लेट्स सी टू बी जी एन के पास एस के नाइन की अगर बात करूँ, जोरो इज ऑन दी लेफ्ट साइड. और यहाँ पर अगर बात करूँ बी एक्स की तो बी एक्स भी यहाँ पर, जी बी भी यहाँ पर आ चुकी है. और भाई क्या ही ज़बरदस्त मैसेज पीछे गए हैं जी बी वर्सेज बी एक्स. तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, काफ़ी अच्छा गेम प्ले खेला है उन्होंने. भाई ये क्या हो गया, दिल बना रहे हैं. एनीवेज हियर वी गो ऑन द टॉप ऑफ दिस बूट कैंप मेन बिल्डिंग. मुझे अभी M4 नज़र आई
तो भाई मैं तो भाई चंद नॉक हो जाऊंगा, पर वो M4 उठाने के लिए ऊपर लाजमी जाता मैं, अगर मुझे पता चल जाता कि ऊपर M4 पड़ी हुई। पर SDY की अगर बात करूँ तो SDY इज हियर, BH आई थिंक नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं बॉयज, बट लेट्स सी ग्राउंड सिचुएशन पे SDY, GB एंड यहाँ पर SK9 के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, एंड भाई C4 की चार के चार प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हमारे साथ, टीम वीर इज हेयर और 17 PKX भाई यहाँ पर इनके साथ खेल रहे हैं टीम वीर के साथ, बट आहिस्ता आहिस्ता सीन ऑन होता है भाई, एंड दिस इज़ द लास्ट मैच, इसके बाद कुछ शुगल मेला वाला मैच अगर खेला तो खेला, बट नो मोर रूम्स आफ्टर दिस। नाउ द प्रॉपर टूर्नामेंट वाला सीन जो है वो अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, एंड लेट्स सी कि क्या बात है। अभी आपको जो एक आवाज साउंड आया होगा ना वो मेरे GPU का है। SDY के साथ यहाँ पर GB की फाइट, GB के दो प्लेयर्स आतंक एंड लेट्स सी मौली आ चुकी है यहाँ पर, एंड आतंक आई थिंक यहाँ पर TPP लेते हुए, एंड दिस गाय नो के यहाँ पर भी बंदे मौजूद हैं। SDY एक समझदारी का फैसला करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन उस भाई चुन्न से रूम से यहाँ से मूव करते हुए, लेट्स गो ओल्ड टीम को देखते हैं, यहाँ पर वीर यहाँ पर मौजूद है, एंड वीर के साथ जो टीम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तोशी इज हियर, C4 वर्सेस टीम वीर, तोशी को डाउन कर देंगे यहाँ पर, वो सुपर भी यार यहाँ पर अभी अहमद रह गए C4 के यहाँ पर, तोशी को आई थिंक रिवाइव कर दिया जाएगा, बट यहाँ पर C4 के दो प्लेयर यहाँ पर डाउन, जैनी इज नॉक देर भाई, वो जैनी को भी यहाँ पर रिवाइव करना पड़ेगा, बट यहाँ पर अगर बात की जाए C4 की तो C4 के दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हैं, बट एक प्लेयर को यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट दे दिया गया, बट यहाँ पे टोटल की टोटल वीर ने यहाँ पर C4 को यहाँ पर भी नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया, एंड वीर इज इन द पैराडाइज भाई, पैराडाइज में मौजूद, चैम्पियन ऑफ पैराडाइज, और लेट्स मूव किसी और टीम की तरफ चलते हैं। C4 अभी लॉबी में टॉप 6 टीम लेफ्ट, 18 प्लेयर्स अलाइव, C4 Ripper is here. Top 16, 18, they're still left. और अभी तक कोई fight वाला भी scene नजर नहीं आ रहा।
भाई मैं वापस आ गया भाई, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पर कुछ ही लोग आ चुके हैं, बूट कैंप की तरफ मूव कर रहे हैं। बूट कैंप में ऑलरेडी एस डी वाई एंड यहाँ पर मौजूद है जी बी। काफ़ी देर से जी बी ने यहाँ पर भाई उनको भाई अटका के रखा हुआ है एंड काफ़ी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती है। एंड नाउ द फाइनल टच ऑफ टीम एस डी वाई और यहाँ पर भी लास्ट प्लेयर ऑफ जी बी इज़ अ नोमो विद अस ऑन दिस सैनोक मैप। बट लेट्स सी, यहाँ पर टीम वी भी पीछे से एडवांटेज लेने के लिए आ चुकी है। तोशी शेर सामने टीम मौजूद है, लूट कर रही है। एंड नाउ प्यारा नॉक तोशी का एंड मिथ इज नॉक हियर। तोशी ने यहाँ पर डाउन कर दिया एस डी वाई को एंड नाउ तोशी बड़ी तेजी से आगे तरफ मूव करते हुए भाई 1 HP तोशी। बट व्हाट ए सुप्रे भाई, मिथ को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। एंड नाउ दी एस डी वाई के बाकी प्लेयर्स जो हैं वो अभी काफ़ी हैरान और परेशान होंगे कि यार कि इसकी तो भाई हमने सोचा भी नहीं था। एंड मिथ यहाँ पे नॉक भाई प्रॉपर डेड हो चुके हैं और यहाँ पर तोशी के पास एक किल आ चुके हैं। हेलो 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 डीमन 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 बिग फैन बिग फैन बिग फैन। तुझे मेरी आवाज भी आ रही लाले? आ ना तोशी ठोक गया, छोड़ दे। यार मैं लो था वो भाई, वो तुम बहुत ओपन लूट कर रहे थे, वो पीछे से एकदम है। चलो हमारे साथ आई वाज नॉट एक्सपेक्ट, काफी देर तुम राइड कर लड़ते रहे हो यार। यार जाओ, नाउ यू हैव लाइक वन प्लेयर लेफ्ट। वो भी डिस्कनेक्ट है। ओ भाई साहब लेवल हो गए यहाँ पर। Hey, room glitch वाले बहुत heavy scene। अब तोशी से तोशी के बिल्कुल सामने प्लेयर मौजूद है। एंड तोशी मिस्ड इट, तोशी ने उस बंदे को छोड़ दिए एंड ही इज डिस्कनेक्टेड एस डी वाई प्लेयर। बैटमैन पीछे से आ रहे हैं, तो फाइव टीम स्टिल लेफ्ट। स्टिल अभी तक किसी ने देखा यहां पर चैन इज कमिंग फ्रॉम दी वेयर हाउस और यहाँ पर 3 प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं एंड अभी तक एस डी वाई का जो लास्ट प्लेयर है अभी तक उनको वो नहीं मिला। एंड आई थिंक द टीम वीर इज लुकिंग फॉर दैट प्लेयर, पर क्या कर सकते हैं भाई, वो कोई मूव ही नहीं कर रहा। एंड तोशी इज मूविंग आई थिंक इन द मिडल ऑफ द सर्कल, सर्कल की तरफ मूव कर रहे हैं। वेरोनिका इज आउट ऑफ द सर्कल भाई, फुल हील बैटल वाला सीन है। बुलेट्स कनेक्ट हुई है बैटमैन को यहाँ पर। नाउ सी फॉर रिपर इज डाउन बाय जैनी, जैनी ने क्या स्प्रे किया एंड रिपर इज डाउन देयर। Now I think यहाँ पर जो सीन है ना, टीम वीर इज हेयर और ये चिकन डिनर जो है ना वो वीर ले जाएगी। अब्दुल्ला भाई क्या हाल है? एंड जैनी यहाँ पर ओपन में नॉक होते हुए एंड नॉक फिनिश कम्प्लीट भाई, यहाँ पर प्रोबोट ने यहाँ पर उसको नॉक फिनिश कम्प्लीट ही किया है। एंड नाउ यहाँ पर भी अभी भी खास पड़ी हुई है यहाँ पर, तोशी यहाँ से मूव कर रहे हैं।
डाउन किया तोशी ने, बट यहाँ पर अच्छा बैक कवर फ्रॉम द टीम प्रो बोट, और बट यहाँ पर तोशी को रिवाइव मिल जाएगा। टोटल दो टीमें रह गई हैं एंड वोरोनका इज कमिंग आउट ऑफ द सर्कल, बट वो भी यहाँ पर जोन से कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल जी सर, क्या हाल है, किधर है बाकी दूसरी टीम, जल्दी अपने रूम खत्म करें। रूम खत्म करता है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। किधर है फिर भी बताएं यार, ये हैं आ रही है तुम्हारे पास ना ऊपर क्वेरी वाली साइड से, हमारी साइड पे यार नूब, नूब वाली टीम वैसे, नूब वाली टीम आ रही है जी क्वेरी वाली साइड से, नूब वाली टीम। अभी मिथ, मिथ का भी मैग ग्लिच हो गया था, मिथ कहता यार मैं लो था। तोशी, तोशी ने से जान के मारा पीछे से आके। मिथ को बहुत सुनाए जैनी भाई, वो कह रहा है लो था बस जी, कोरोना के घर में। आप आ गए दोबारा, एक्टिव हो गए आप भी? यार मेरा अभी काम थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा स्टेबल हुआ है, तो मैंने फिर वापस आ जाता। क्रिम्स कराएं डीमन क्रिम्स? नहीं वो राइट से आ रहे हैं, तो टूर्नामेंट होने वाला है, इस चैरिटी स्पॉन्सर्ड। ये कंपाउंड में तो नहीं बैठे हुए डीमन भाई? ना ओपन आ रहे हैं बिल्कुल, 17 पीकेएक्स ने भी देखा था, ये बिल्कुल देख रहा उसी साइड, 17 PKS उसी साइड पे देख रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, वो उनके सामने से आ रहे हैं, वो हो रहे हैं। आखिरी टीम है, लास्ट टीम, चार प्लेयर्स, एक डाउन। यहाँ पर भी फुल ESP ऑन करके हम जैनी भाई को उतार, नहीं आखिरी रहता है। ओ बचे तो ये बता, बचे तो ये अभी चिकन गया था, टीम वी गेट अ चिकन इन देयर हेयर, और भाई जीजी हो गया। दिस इज ओपन कस्टम रूम, बस मैच खत्म कर रहे थे, बट नो वो हेट वाला सीन, बस हैव फन यार, और नथिंग अलाउड, नथिंग एल्स वाला सीन है, एंड वी कैन प्ले हेयर। लॉस खेलना है तूने? Let's go and check it out कि क्या सीन मिलता है। अरे भाई अभी अभी नहीं खेल रहा मैं, अभी नहीं खेल रहा, अभी हम जरा शुगर मेला खेलेंगे। आजा भाई बैटमैन, चलो अब्दुल्ला भी आ गया, गुड हो गया। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक सर, क्या हाल है? बैटमैन क्या हाल है? अब्दुल्ला आवाज आ रही है मेरी? हेलो भाई, अब हमारी बारी है, हम क्लासिक खेलते हैं। लिविक सस्ता और टिकाऊ। आप बोले सर क्या हाल है, रमजान मुबारक, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसा चल रहा है आपका फुटबॉल? हेलो आवाज आ रही यार, मेरी आवाज नहीं जा रही। चलो इन गेम, इन गेम आपको बुलाते हैं,
जिगर इन गेम आपसे गपशप करते हैं। फिलहाल आई थिंक ये मैचेस खेलने जाएंगे हम, क्लासिक खेलने जाते हैं। ये नीचे कुछ लिखा आ रहा था, मैंने देखा ही नहीं यार, ये इतना बड़ा मैसेज कैसे लिख देते हैं ये चैट में। अच्छा मौका मिले कदी कदी। तो बॉयज टूर्नामेंट जो आ रहा है ना वो, तो उसकी एंट्री फीस मेरे ख्याल से कोई है 200 एंड उसके अलावा क्या सीन है। प्राइस पूल जो है वो 5000 रुपये आवाज आ रही है अब जी नहीं जी। बैटमैन भाई आपको आ रही है अपने घर से हरीश भाई का नाम आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। सर क्या हाल है, रमजान मुबारक। हेलो कॉल पे कोई है? हां मिशन आ गया भाई। करम अल्लाह का जी, यार कहाँ लेके जा रहा है मेरी जान। अच्छा ओके फॉर्म अप ऑन मी कि ने बोला अब्दुल्ला भाई आपने हाथ नहीं लाया, आवाम देख रही थी। मैं अभी स्क्रीन देख रहा था। और यार वॉइस ग्लिच वाला इतना हैवी सीन है ना यार, ये मेरा तो आवाज का ग्लिच आ गया उसमें, साउंड का सॉरी गेम में। हाँ हेडफोन्स लगा के भी साउंड नहीं आ रहा, ये कभी कभी होता है। कोई आया था? नहीं आया। I got supplies. क्या एशिया 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 था क्यों, पिंग नहीं आ रही तेरी? ओ भाई ऐसी है वो, तुझे तो डक के मारा है तोशी ने। मैं तुझे देख रहा था, तुझे डक के मारा है कहे तोशी ने। है देखा है वो हुआ था ना अपना, मेरा क्या बोलते हैं उसको, ग्रोजा आना था वो भाई साहब, वो फुल कार के मजे ले रहे, आप ही को आना था उनका तो चल ही नहीं रहा वो भाई, आउट ऑफ द जोन थी। हाँ उनका उनका नहीं उनका बंदा उन्होंने चलाया, मेरे सामने बैठी हुई है वो जोन के अंदर पहुंच गई, मेरे पास दिखाया आ रहा है कि वो है ही नहीं जोन पे। फुल ग्लिच भाई, क्या बात। मैं भी बोला यार क्या खेला करूँ, सीधा कुछ कर लेता हूँ। नहीं तो बहुत, तो बहुत गंदा फंस गया था उधर। हाँ वहाँ पे तो फुल ये फुल ना, जिस तरह मैं खेल रहा हूँ ना ये पबजी पीसी वाला साहब खेल रहा हूँ, माउस से सारी चीजें अटैच अनअटैच कर रहा हूँ। तो बॉयज जो सारे मोबाइल्स पे खेलते हो जो देख रहे हो भाई जी, पीसी पे बहुत आसान है। देखो पीसी पे गेम जो है ना आप एक दिन में प्रो बन सकते, बिटसेन में बंदे हैं यार। आईपैड की गेम भी बड़ी है, आईपैड की गेम बहुत तगड़ी है नो डाउट। अबे स्कोप का दीदार करा दो, स्कोप ही नहीं दे रहे यार। I got supplies. ऊपर बंदा उधर ऊपर, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे बंदा है। Marked a location. हाँ दरवाजा खोला, बोट ही ना हो। नहीं नहीं तरफ आ रहा, बोट नहीं है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मैं सीधा ही जा रहा था उससे हेलो हाय करने के लिए।
4x anyone? ले ले. I got supplies. नहीं, नहीं मिल गया मुझे स्कोप शॉप मिल गया. ऊपर बंदा किल. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. ओए एमुलेटर बहुत हैवी चीज है बॉयजेस, इसलिए तो सारे शोर डालते हैं ओपन कस्टम रूम में. एमुलेटर आ गया जी, कटो इनो. अच्छा आप वाले में तो अलाउ है एमुलेटर? नहीं है, अब दी है, पहले था. ओए ओए और तू सोच, अब जब मैं एमुलेटर पे आया ना तो भाईजान मैं किसी रूम में चला जाऊं ना तो भाई सबसे पहले किक होता. स्वाब समझ के किक करते हैं मुझे. नहीं नहीं तो एक कंप्यूटर की बड़ा आ रहा है. नीड एमओ. वो ऊपर बंदे प्यारा अब्दुल्ला, एक और है पीछे. आई नीड कंज्यूमेबल्स, आई नीड कंज्यूमेबल्स. पीछे ही बंदा है. ओ नहीं, मैं देख लिया था उसको. दरख्त के पीछे है, सही जा रहा है बैटमैन. इसी दरख्त के पीछे एक और है, दरख्त के पीछे. ओ बिशप अब्दुल्ला भी गया. अपना शहजादा किधर है? नंबर तीन. ओ जियो स्को. ओ स्मोक कर देते, स्मोक कर देते, स्मोक कर देते जानी. बहुत ओपन है बैटमैन. आरएपी मेरे सामने बंदा है यार. मुझे लग रहा है कि तीन नॉक हो चुके उस लास्ट. बहुत डैमेज हुआ. छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे. जी 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 जी. कौन सी गोलियां चाहिए मेरी जान? नंबर तीन. कौन सी गोलियां चाहिए? मार्क द लोकेशन. आई एम आउट. नीड एमओ. ओ बोट है भाई. अभी मुझे मार देता ये. हाय 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 हाय. नजर आया? कौन सी गोलियां चाहिए? इधर आओ. 5 की. आई एम आउट. नीड एमओ. ओ नहीं. गाड़ी भी आ गई. बहुत प्यारा. आज भी आपने सेटअप में कुछ लगवाया है? आपकी स्ट्रीमिंग जरा थोड़ी अच्छी हो गई. फ्रेश हो गई आज. जेंगो हो गया जी. ओ भाई ग्राफिक कार्ड चेंज किया था. क्या बात. वॉच आउट. खर्चे हो रहे हैं. वो कब के हो चुके हैं यार? अब तो बस ज़ैफ़ा आ रहा है ना कल. ओ हाँ, उससे मेरी बात हुई थी. मैंने कहा आ तू भाई, शुगर मिला करते हैं, लगाते हैं चक्कर फिर इंशाल्लाह. ये ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है हिल पे. मार्क द लोकेशन.
अबे क्या कर रहा हूँ शापर। अरे भाई वो छलांग मार के लेटे ना वो शश का नहीं सीखा आपने? वो इसमें नहीं है। अरे नहीं ना नहीं, अरे नहीं यार, स्प्रे नीचे क्यों नहीं गया? ओ भाई उसने फुल हेड बना के रखा। अच्छा यही दो रह गए यार, राइट से आ रहा। नेड ही बजेगा मुझे, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही। वो सर्कल में जाना है यार हमने। पड़का है इसको, मैं देख रहा हूँ। सर्कल में जाएं, छोड़े वो। कैसे बच गई? यार ये मर क्यों नहीं रहा? हेड लगा ले, वो है ही नहीं कुछ। आहा हा 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 नहीं उसको। ओ भाई कहां से चिकन ने निकाला भाई क्या भाई हाय। अबे मिलिट्री भी तो नहीं खेलते? नहीं नहीं मैं मोबाइल प्लेयर हूं प्रॉपर, मेरे पास 3310। यार डियन भाई मैं याद हूं, आई एनवी वाले बॉयज यार बिल्कुल याद है यार। गुड गेम बताया तो है मेरी जान, बिल्कुल जानता हूँ INV वॉइस बिल्कुल, बहुत खेला है यार। ओ जिगर आया, जिगर जिगर आया हुआ लॉबी पे बैठा हुआ। उसको बुला हुज़ैफ़ा को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मल्टा भाई? यार गुड गेम बोली बॉयज छा गया यार। मैं क्या करूं, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? रास्ते में नहीं यार, अभी सुबह फ्लाइट है। सुबह फ्लाइट है बस, खैर खैरियत से। थैंक यू जी। खेलेंगे लिविक लगाएं जी, लगाएं एशिया में लगाएंगे। नहीं नहीं सर, जो आपका झंडा है ना वो मैं आपको गाड़ी करके दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ।
तो थैंक यू बॉयज यार, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का मैच वाकई बहुत मजे का था यार। बोली बॉयज रूम शो लगाया था आपने, आप लोगों ने एचएक्स बॉयज नहीं बीएक्स बॉयज एंड द वन मोर टीम यार, आउटस्टैंडिंग गेम प्ले यार। जीबी ओ यार क्या जबरदस्त गेम प्ले किया यार तुम लोगों ने। साग यस यस यस, आज तो स्ट्रीमिंग कर रहे थे, प्रॉपर टूर्नामेंट वाला मैचेस थे ना। अच्छा भैया फिर क्या बात है यार, एक वो डीएस के तो रिप्रेजेंट करना है भाई टूर्नामेंट। डीएस क्या डीएस की तरफ से खेलना है ना। हाँ खेलना तो है, बस पाकिस्तान आ रहा हूँ ना, बस फिर खेलना ही खेलना है अब तो। जी यार किसके माइक की अब्दुल्ला की आवाज कैसे आ रही है, अब्दुल्ला का आवाज ऐसे आ रही है। ले चलो अच्छा यार गेम क्या भैया किसने कर दी, मैंने किया, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी मुझे, हो रही थी मुझे कि यार व्हाट इज दिस। हेलो हाँ जी, भिजवा दी तुमने गाड़ियां छड़ियां यार, तू फिलहाल चुप कर, तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज ए ए ए ए ओ ओ करके आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही तेरी आवाज ए ए ए ए ओ। इमोट करो ये चल बैठेगा। आहा ओहो हे सबसे फिट बोट एक मिनट 25 सेकंड पे चलेगी गेम। हाँ भाई थोड़ी सी बेहतर हुई है। ये अब्दुल्ला के पास भी, अब्दुल्ला तेरे पास है ना ये वाला। हाँ ये बूम हाय 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 बॉयज लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना भाई, दिल से शुक्रिया भाई आप सबका। मैं कहा जितने 20-25 पिंग के मजे है ना वो आज की रात ले लूं फिर। हां क्या 20-25 जो पिंग आ रही है ना मेरी, मैं कहा जितने मजे हैं वो आज की रात ले लूं फिर, कल फिर 160 100। नहीं अगर तुम इधर आके हारिस भाई के साथ खेलोगे तो अभी 25 आ रही थी मेरी। हाँ हाँ इतनी, हाँ 20-25 पाकिस्तानी तुम्हारी वजह से लेट आती है हमारी डिले होती है। मेरी एशिया है ना, मेरा एशिया तो नहीं होगा ना, फिर हो जाएगा आरएस भाई लगाएंगे तो एशिया हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है फिर सही है। ओ ओ ओ ओ ओ जरा मैं राइट जा रहा हूँ। ओ भाई रेंडर हो जा, मेरे साथ बंदा फंसा है रनिंग राइट हो गए। ए आई कोई मेरे साथ हमें आई कोई
ये कौन है मेन में उतरे हैं बंदे पागल ही हो गया तो गुजरने नहीं दे रहा चंद पे उड़ूंगा तो नहीं इस पर लगा ये आरएस भाई क्या आपके नाम का बंदा गया ये लो नहीं गया ये बंदा अरे ये कैसे बात ये क्या बात हुई किधर है मेन में है ये लो ये अब गया ये क्या कहा था आपको मैंने गया यार दो दो तीन एक्स है मेरे पास एक दे रहे हैं ना वो छे एक्स पड़ा है कौन चलाता छे एक्स ले लो आरे भैया लो आई गॉट सप्लाइज पूरा कर गया मैं उसको डन 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 सीन ओ भाई साहब बस यार ये चैनल जो है ना ये फिर दोस्तों के साथ शेयर फेयर कर दूँ ये भी टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह इश्तियारी स्पॉन्सर्ड है और फंक्शन सीन है काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें एंड लेट्स सी क्या बनता मैं आपको प्रॉपर मेरा इंस्टा फॉलो कर लो उस पर आपको ना सारी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोरी वगैरह लगा दूंगा मैं ओ भाई साहब ये कहाँ से आया यार बताओ तो सही बंदे मार नहीं मरे अभी मैं तो चिलिंग किस बात की टेंशन मेरी स्ट्रीम देखता मैं चिलिंग लूट्स कर रहा था वहां पे जंपिंग जंपिंग अराउंड वो ये क्या मार रहा है अच्छा हाँ वो MK12 इसका साउंड बहुत मजा है गन ही नहीं मिली कोई और साउंड अच्छा गन ही नहीं मिली कोई और मुझे M4 ही नहीं मिली ये मेन की छत पे है यार शुक्र है ओ भाई ये कहां से मार गया ये पीछे पीछे द्वार के हमने फायर दे फायर दे फायर 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 दे मारेगा पूरा मारेगा फायर दे आ रहा है आ रहा है पहले फाइट 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 फर्स्ट ये हमें पैलेट छोड़ेगा आगे जाओ ये ऊपर 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 ये कैसे मार रहा है भाई अरे भाई ये मार रहा अरे मैं इसके साथ नहीं हूं यार Batman, what are you doing? Where is your Batmobile? अब जल्दी ये कैसे मार रहा है? ओ भाई ये क्या? ये कैसे मार रहा है भाई? भाई वो duo versus squad खेला था। फिर भी आरएस भाई एक दो गोलियां पता नहीं बंदा मारता। ओ भाई रेस रेस को टच करके आ चुका है वो। कोई नहीं छोटी छोटी बातें होती रहती रेडी मैं जरा चार्जिंग करके आया नाइस ओके जी ओके कोई है तो डाल दो सती जी लेकिन खेल रहे हैं ऑलरेडी कुछ सात फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है वाह वाह बाद में देखते हैं एक सेकंड ओए स्टीव डॉन कौन है स्टीव डॉन को जानते हैं किसका स्टीव डॉन रिक्वेस्ट टू जॉइन टीम
ख्याल से जान पहचान वाला बंदा अच्छा नहीं है। गए जाएंगे एम्पीयर मैं कहता हूँ। वाह क्या बात है बोनस की। बोनस की तो बात ही अलग है यार। आरएस भाई इस कारल सुने लोगों की 10,000 यूसी में निकल रही है। 12,000 हाँ तकरीबन किल मैसेज तक। हाँ किल मैसेज तक। और अगर फुल क्रेट तक जाना है तो फिर 50,000 यूसी। क्या हुआ? बहुत यूसी ठुकी है लोगों ने। क्या मतलब 50,000 यूसी लगाए हैं लोगों ने 48-50 के अगर फुल मैक्स। हाँ मैंने देखे लोगों को क्या, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने 10,000 में लेवल 4 तक लगे हैं उसको। हाँ हो जाती है यार। 10,000 में आपकी कंफर्म स्कारल भी निकल आती है और स्कारल दो दफा निकले तो 3 मटेरियल भी मिलते। अच्छा तो 10,000 यूसी मतलब तकरीबन आपके लगते हैं 20-25,000 रुपए। पर मिडास भाई से आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा यूसी मिल जाती। ये तो चला गया भाई। इसको भी खोल लेते हैं। लाइव स्ट्रीम के ऊपर कुछ तो निकले। ये ही ना निकले। यार क्या अजीब आइटम बंदा है यार ये। किसको भेज रहे हैं? सती मैच रिजर्वेशन आई मुझे और अब आ गए वो लीव करके उनको। इधर फिर बटकी भी आ रही है जी रिक्वेस्ट टू जॉइन टीम। हाँ मुझे क्या करा मैं समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। सती तो चला गया। सती किधर गया? सती मैचिंग में चला गया फिर से। किसी मुझे रिक्वेस्ट भेज के किसी और के साथ मैचिंग में कैसे जा रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सीन है जरा। तूने ये ड्रेस पहना हुआ था जो मैंने पहना है? मैंने मैचिंग के लिए गया तो उन्हें दांतों वाला ड्रेस पहन लिया। यार ये मुझे मिला था अभी ये ले वापस पहन लेते हैं जी। और ये क्या पहन लिया मैंने? एंडी। हाँ लो जी वापस मुझे मिला था अभी। मैं लगा रहा पहनते हैं जरा शश क्या शश कोशिश की मारते हैं जरा। हमने एक कोट शॉट नहीं लिया भाई। हमने कहा भाई हम सीजन 2 के कपड़े ही पहनेंगे। अरे भाई यार ये तो उसमें आया हुआ था ड्रॉप में आया हुआ एयर ड्रॉप क्या? हां से क्या? हां ये तो एयर ड्रॉप में ही आता है। ये सूट शॉट आते ही ड्रॉप में। कोई कह रहा है कभी कभार किसने नहीं जरूरत पड़ जाती है। कोई किसने नहीं लिया ये सूट ये बताओ यार। वो काली एकेएम भी आई हुई थी। वो काली एकेएम तो मैंने ली थी। ऑरेंज वाली M4 ऑरेंज वाली M4 मुझे नहीं पसंद है लेकिन वो AKM ठीक है। AKM से मैं इतना चिढ़ता था ना। ये AKM ली थी ना मैंने ड्रॉप्स। मेरे पास AKM की वाइड एक स्किन है सीजन 2 से खेल रहा हूँ। ये वाइड एक ही स्किन है। अच्छा ये अभी ड्रॉप में आई भी थी तो बस यही। ड्रॉप में तो चीजें रिपीट होती हैं। 762 नहीं आ रही। ये कोट पता नहीं सीजन 9 से रिपीट हो रहा है। ये तुमने पहना बहुत पुराना सीजन 10 के 11 में स्टार्ट हुआ था ये आना। मैं कभी कभार इस पे जरूरत पड़ जाती है ना बंदे को।
कहीं फॉर्मल जाना जाना पड़ जाए फिर कोड शोट की जरूरत पड़ जाती है आपको तो पता है वो जो PUBG फ्री में जो कोड देता है ना उनको तो ना ही पूछ हुज़ाफ़ो हाँ जी कैसे एक बार जाएं तो सुना हुए गया ना सैरी नहीं करनी तूने इस टाइम पर रोज़ा नहीं रखना तूने यार भाई ने सुबह खाया भी भाई के सैरी क्या हो रही है भाई फिर बोल खाया था क्या कह रहा हूँ हमें तो हमें न्यूज़ दी है हाँ इस डी ट्यूशन आ रहा तू आखिर में कल आ जाइए फिर परसों अगर तू भाई भाई तू एयरपोर्ट लेने आएगा और बता पागल हो गया एयरपोर्ट क्या करेगा आगे तू तू क्या हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं डायरेक्ट छत पे लैंड करे आएगा शायद As usual. As usual. As usual, Kabristan. आ रहे बंदे बहुत एक ही आ रहा है इतनी पढ़ सही दो और लोड़े लग गए बहुत ही मूव से मार रहा है मार दी राइट से बिल्डिंग के बंदे वॉच आउट टीम है पूरी किस जगह टीम तो खैर नहीं पूरी तीन दो तीन बंदे हैं पट्टियां हैं किसी के पास पट्टियां यार किसी के पास एमओ है इसकी वॉइस किसी के पास एमओ है 9 की 9 का हां मेरे पास है मेरे पास मेरे पास है नीचे मार्क द लोकेशन नेड कर देगा जाएगा I got supplies ये किधर पड़ गया क्या चला गया नीचे नीचे
हां जी बंदा आ गया भैया किधर चलो हां जी हां जी कहां जा रहे हो अमित दान छोड़ के भाग रहे हो अंदर है अंदर फ्रंट फ्लोर ये बड़ी बिल्डिंग में नहीं तीसरे फ्लोर में सामने वाली देखना हां इसको सामने वाली क्या बात बे डीपी वजीर के वालेकुम अस्सलाम के वजीर भाई क्या हाल है अरे भाई साहब एक चैट मेरे से बिल्कुल निकल जाती है क्या हाल है वालेकुम अस्सलाम वजीर हेल्थ लगा पहले अहमद है ही नहीं जाने हमें डरना क्या है यार जाओ लड़ो उत्तर वायु दे रहा होगा वो हाँ भाई मैं अगर छा जाएं हमें बेच ना जाना बस छा ही जाना यार मेरा ना ये माइक जो है ना ये इसके पास आके बोलना पड़ता है ये इसके बड़े नखरे हैं मेरे माइक के तू मस्ती कर रहा है ना अमित देना जरा मोन मेरे को ऐसे हाय हाय लालच दे रहे हैं कि आओ ना जी फेक नहीं देता और दे एक और दे, एक और होना चाहिए द्वार भी नहीं मार रहा कि भी द्वार खराब हो जाएगी कंजूस साइड में मार रहा है ये कर रहा हमदे यार तू ऐसे डर डर क्यों रहा यार हमदे ओए ऐसे डरना नहीं कहते डर गया हमें डर डर गया हमें डर गया हमने शहरी भी करनी है मार यार और देख रहे तुझे हमें तीसरे फ्लोर पे हेलमेट मार हमें पैन सट दे दा पैन मार दे दा नेड नहीं दे दा ओए हमें एक काम करे इस घर की छत पे चला जा इस घर की छत पे जा ओ क्या बात है प्रो प्लेयर दो बंदे जगह पूछना ऊपर ना जा इसे ऊपर वाले फ्लोर में टू पीपल खूबसूरती का लेवल हेल्दी मिले तेरी गाड़ियां बेकिंग है दोनों मैंने सिविक भेज दी है बीएम खड़ी हुई है बीएम नहीं बिकी अभी तक तो क्या खड़ी करके आएगा हाँ जी कौन है अच्छा मैं आया नीचे
पैकिंग चेकिंग तूने कर ली है? हाँ जी, पैकिंग वगैरह हो गई। डन हो गया वजीर भाई। वो भी सैरी, वजीर भाई भी सैरी करने गए हैं और सैरी टाइम है। चलें हम भी जाते हैं। चलो बताना फिर, सैरी करके आके बताना फिर। ओके जी, ओके जी, बाय बाय, लाफिस गाइस, लाफी एमएन गेमिंग। जी जी जी, लाफिस मुझे कह रहा था। ओके 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 आमिर, लाफिस। ओके बॉयज, अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की दुआएं लिया करें एंड खुश रहा करें। सी यू सून, अल्लाह हाफिज। We'll be right back.